द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर्स शो के एपिसोड 163 में आपका स्वागत है। और रोज की तरह इस बृहस्पतिवार भी हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, और खास क्या, बहुत ही खास मेहमान है हमारे साथ द टीचर शो के 163 एपिसोड में, जिनका नाम है डॉक्टर गोपाल कृष्ण शाह। दोस्तों आप समझिए जो गोपाल भी हैं, कृष्ण भी हैं और शाह भी हैं, तो साक्षात सरस्वती पुत्र शाह जी हमारे साथ आज उपस्थित हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और साथ में हमारे साथ इस शो को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं श्री गिरीश चंद जोशी जी, पूर्व निदेशक CCRT के, जिन्हें हम इंडियन कल्चर का इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, गागर में सागर भर देते हैं जब भी इस शो में आते हैं। और साथ में मेरे को होस्ट मुकेश प्रसाद भोगवा जी इस शो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ सर, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद भोगवा जी जोशी जी एक साथ दिख रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार जी। शाह जी, जैसी कि हमारी परंपरा है, हम शो के शुरुआत में एक सवाल पूछते हैं हमारे दर्शकों से, और उस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देने खूबसूरत सा चश्मा इनाम में उनके घर भेजा जाता है। तो सवाल स्क्रीन पर मैं लाइव कर रहा हूँ, और जोशी सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इस सवाल का सुरत आवाज में पड़ा जवाब छुपा होता है। देखिए, आज का प्रश्न बहुत छोटा सा है। प्रश्न ये है कि किनके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गांधी टोपी पहली बार दी? जिसके टोपी का नाम गांधी टोपी पड़ गया, जिसके टोपी का नाम गांधी टोपी पड़ गया जी। अंग्रेजी में भी सवाल है सर, और इंग्लिश में है कि हु प्रेजेंटेड द गांधी टोपी, हेंस दिस टोपी वाज नोन एज और टर्म्ड नोन एज और टर्म्ड गांधी टोपी, गांधी टोपी जी। तो मित्रों, इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब दीजिए, और माय ऑप्टिकल्स की ओर से एक खूबसूरत सा चश्मा आपको इनाम के रूप में दिया जाएगा, जो भी मित्र सबसे पहले इसका सही जवाब देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसका जवाब देने के लिए तत्पर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और हम चलते हैं हमारे आज के मेहमान गोपाल कृष्ण शाह जी के पास। तो शाह जी, एक बार फिर से स्वागत है सर आपका द टीचर शो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
भट्ट जी, जोशी जी, अपूर्णा जी, अपूर्णा जी और अन्य सारे मंडल जो भी है, जितने भी हैं, और हमसे जुड़े हुए सभी समस्त शिक्षकगण जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेमंदा भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उम्मीद है कि जल्द ही जुड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर, इस शो को उत्तराखंड ने नहीं, पूरे देश और विदेशों से भी शिक्षक देखते हैं। लगातार हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं और आ भी रहे हैं, और ये नेशनल और इंटरनेशनल शो है, इसमें विदेशों को भी शिक्षक प्रतिभाग कर चुके हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे शो में हैं, और आपका परिचय हालांकि हमने फेसबुक में शेयर किया था, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपने श्रीमुख से अपना परिचय हमारे दर्शकों को एक बार बताएं, क्योंकि आप सरोवर नगरी नैनीताल से हैं। और कैसे आपका बाल्यकाल रहा, पढ़ाई लिखाई कैसे रही, फिर तो संगीत की ओर कैसे आना हुआ, थोड़ा संक्षिप्त में हमें बताइएगा सर, हमारे दर्शकों को। देखिए, मेरा परिचय तो क्या, मेरा परिचय मेरी भूमि से है, जन्मभूमि से है, और जिस जगह मैं पला बड़ा, तो परिचय एक्चुअली भूमि का है, आदमी का तो क्या परिचय होता है। तो मेरा नाम शाह और मेरे पिताजी का नाम कृष्ण शाह और नैनीताल नगरी सरोवर नगरी नैनीताल नगरी कार्यरत रहे सौंगेन रामडिंग जैन में। और मेरा सौभाग्य था कि मैं ऐसे ऐसी जगह ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ, मुझे संगीत विरासत में ही मिला है। आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा, माइक म्यूट है सर, सबका म्यूट है, आप बोलिए। अच्छा, तो बस सरोवर नगरी नैनीताल में मेरा जन्म हुआ, और पिताजी से ही मुझे शिक्षा मिली संगीत की। तो बचपन में उतना रियाज तो हमारा नहीं रहता था, लेकिन जो पिताजी अभ्यास करते थे वो कानों में पड़ता रहा, तो अनायास ही वो सब अंदर आता रहा, वो फीडिंग होती रही, श्रवण होता रहा, तो धीरे धीरे शौक डेवलप हुआ। मेरे चाचा जी भी तबला बजाते हैं, श्री संतोष लाल शाह जी, वो भी पिथौरागढ़ में कार्यरत हैं, वहाँ भी गवर्नमेंट हाई स्कूल कॉलेज में वो भी प्रिंसिपल हैं। तो ऐसे पहला मेरा जो मतलब कहते हैं कि पहला जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हुआ तो वो था तबला, क्योंकि चाचा तबला बजाते थे, और वो होता है पहले आप थोड़ा फिजिकल रिदम की ओर ज्यादा आदमी बच्चा खींचता है। देखिए, संगीत तो ऐसी चीज है कि ये सीखने से पहले आप स्वतः ही इसका आप अनुभूत करने लगते हैं संगीत को। आप में अकल नहीं होती है, आप कुछ नहीं, आप बिल्कुल अभूत बालक होते हैं, लेकिन आपको कोई लोरी सुनाए या थपथपाए एक रिदम के साथ, तो अनायास ही उसमें आपकी बॉडी, आपका सोल वो उसमें रम जाता है। तो संगीत भले आपको आता नहीं है, लेकिन आप उसको समझने लगते हैं, आपका सोल उसके चीज़ों को कैप्चर करने लगता है। तो ऐसे ही फिर मुझे भी रिदम का काफ़ी वो था, तो तबले का शौक जागा, थोड़ा तबला सीखा, फिर पिताजी ने सितार शुरू करवाया, तो सितार की शिक्षा मेरी प्रारंभ हुई। और नैनीताल उस जमाने में 1980s की बात है, हम लोग छोटे थे, 6-7-8 साल की उम्र से, थोड़ा बहुत 10 साल की उम्र से थोड़ा बजाना शुरू किया, और नैनीताल का माहौल भी काफ़ी संगीतमय था, शारदा संघ वहाँ पे था, मंडली करके एक संगीत जहाँ सिखाते थे ये था, और हमारे नैनीताल के बड़े गणमान्य कलाकार जिसमें पंडित नलिन ढोलकिया जी हैं, सखा जी हैं, विशंबरनाथ सखा, और डॉक्टर विजय कृष्ण जी हैं, और ये देवीराम आर्य जी सितार वादक, तो का और मेरे पिताजी शाह जी एक सूरदास मां साहब भी थे, तबला बजाते थे। तो उस समय नैनीताल में इतना बढ़िया माहौल हम लोगों को मिला, जो हमारी पीढ़ी थी, हम बच्चों की पीढ़ी थी, कि इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को हमको सुनने का मौका मिलता था,
होल नाइट कॉन्सर्ट्स होते थे, तो उनको सुन सुन के हम लोग बड़े हुए। थोड़ा बहुत हमने जो भगवान की तरफ से बीज था उसको इन लोगों ने सींचा, तो हम थोड़े बहुत कुछ सीख पाए और ऐसी साधना आगे बढ़ी नैनीताल से। फिर मैंने अपनी शिक्षा ग्रेजुएशन डीएसबी कैंपस से लिया, बीएससी पूरी की। उसके बाद फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आया और यहाँ फिर मैंने अपना एकेडमिक्स मतलब साइंस स्ट्रीम से छोड़ के फिर मैं आर्ट्स में म्यूजिक में आया। और म्यूजिक में आने के बाद वो एमए एमफिल पीएचडी जो फिर वो सिलसिलेवार जो एक के बाद एक स्टेप्स होते हैं। और उसके बाद फिर पहले मैं वनस्थली कार्यरत रहा और फिर उसके बाद आजकल मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ। तो ये तो एकेडमिक सेक्शन रहा। इसके अलावा परफॉर्मेंसेस में मेरा दखल है, तो परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है करना और कोशिश करते हैं कि माँ की कृपा रहे, रियाज बराबर चलता रहे और अच्छे से अच्छा हम लोग प्रस्तुत कर पाए, अपने उत्तराखंड का, आप लोगों का, गुरुओं का नाम रोशन कर पाए। जी बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत सारे दर्शक हमारे बीच जुड़े हुए हैं। इस बीच मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि योगिता पंत आपको याद कर रही हैं, कह रही बहुत बहुत स्वागत है गोपाल दादा का। धन्यवाद योगिता जी, धन्यवाद योगिता जी। साथ में अंजना कबड़वाल जी हैं, मोहन चौहान जी हैं उत्तरकाशी से, मोहन नवीन जोशी आचार्य जी हैं, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हैं दिल्ली से, रजनीकांत शुक्ला जी हैं और शिवांगी पाठक जी हैं, दीपा पांडे जी हैं नैनीताल से, नीरज पंत जी अल्मोड़ा से, प्रभात उप्रेती जी, प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी कह रहे हैं कि महान सितार वादक पिता के महान पुत्र सितार वादक। अरे और बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार, हरिचंद भट्ट जी हैं लगातार हम सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं टिप्पणियां देके। और कहीं पर मुझे लग रहा है नेटवर्क की प्रॉब्लम है या क्या है कि कुछ लोगों की शिकायत है कि आवाज साफ नहीं आ रही है। नीरज पंत जी अल्मोड़ा से कह रहे हैं कि आवाज साफ नहीं आ रही है। सर मैं अपने दोनों मेहमानों से अनुरोध करूंगा कि जब आप बोल रहे हो तो अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा और जब आप बोलें तो उसको ऑन कर लीजिएगा। बहुगुणा सर जोशी सर से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि जब आप बोल रहे हो तो अपने को म्यूट कर लीजिएगा खुद को, और जब आप बोल रहे हो तो फिर अनम्यूट कर लीजिएगा। बहुगुणा सर आपसे भी अनुरोध है अगर आप सुन पा रहे हो तो। बहुगुणा जी क्या नेटवर्क की समस्या है मुझे लगता है। तो ये तो सर आपकी सितार की और शिक्षा की यात्रा थी। और प्रभात उप्रेती सर कह रहे हैं कि आपका सितार सुनना एक जीवन है और आज हम उस जीवन को जिएंगे और भरपूर जिएंगे आपके सितार को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले सर मैं अगर, चूंकि हमारे इस दर्शक को एक कॉमन टीचर, एक आम शिक्षक देखता है जो बहुत ज़्यादा संगीत के बारे में नहीं जानता, और 163 एपिसोड में आप पहले ऐसे शख्स हैं जो सितार वादक हैं। हमारे शो में पखावज वादक भी आए, हमारे शो में तबला वादक आए, हमारे शो में वोकलिस्ट आए, तमाम तरह के संगीत के आचार्य आए, लेकिन सितार में आप पहले शख्सियत हैं जो इस शो में है। तो थोड़ा सा सितार का परिचय हमारे दर्शकों को दीजिएगा कि सितार का इतिहास कब बना, कैसे बना और भारतीय परंपरा में सितार के बारे में क्या क्या आप बताना चाहते हैं सर बताइएगा। थोड़ा दिखा के बता सके तो और अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आपने जो बताया कि ये मैं पहला ही ऐसा गेस्ट कह लीजिए यार कि शिक्षा और संगीत पे बोलने वाला, तो देखिए जैसा मैंने बताया पहले तो संगीत हम सबके अंदर है, वो प्रकृति प्रदत्त है कि आपको संगीत रिझाएगा ही रिझाएगा। तो आनंद हम सब लेते हैं संगीत का, तो आनंद लेना और फिर उसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो जो समझने की प्रक्रिया शुरू जहाँ से हो जाती है वहाँ से फिर शिक्षा इसमें जुड़ जाती है कि आपको फिर शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक आनंद दे रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ आपको फिर ये चाहिए हम आनंद प्रदान करें तो वहाँ पर तो फिर आप होस्ट उसमें आ जाते हैं, सीट पर आ जाते हैं, फिर उसकी आपकी शिक्षा शुरू होती है। और संगीत आप ये लगाइए कि एक ऐसी भाषा है जो बचपन से ही अगर आप सीख रहे हैं, मतलब 8-9 साल की उम्र से आकर आपकी शिक्षा शुरू हो गई है तो आप एक अच्छी उम्र तक पहुंच के, आप अपनी युवावस्था तक पहुंच के आप उसको अच्छी तरह उससे फैमिलियर हो जाते हैं। और एक किस्म से अगर आप, अगर मैं हिंदी बोलता हूं या बंगला बोलता हूं
तो बचपन से जो मैंने सीखा है वो उसका एक्सेंट वैसा ही, उच्चारण वैसे ही साफ निकलेगा। लेकिन अभी अगर मैं कोई भाषा सीखना शुरू करूं तो वो फ्लेवर उसमें नहीं आएगा, वो मिट्टी की खुशबू उसमें दिखाई नहीं देगी, तो वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो ऐसे संगीत के विषय में भी है कि जितना जल्दी शुरू किया जाए तो ये लैंग्वेज उतना ही आपको आती है। और बहुत सारे शिक्षक, ये भी कभी कितने लोगों को ये भी होता है कि अच्छा संगीत में भी शिक्षण होता है, संगीत का भी मतलब एक एकेडमिक रूप से इसका भी एक एक स्ट्रीम है कि हाँ, जैसे पैरेलल जो हमारे चलते हैं साइंसेज हैं, ह्यूमैनिटीज हैं, तो क्या संगीत भी ऐसा? बहुत सारे लोगों को ये भी आशंका रहती है कि संगीत में भी कुछ किया जा सकता है करियर वाइज। परफॉर्मेंस तो हम लोग सब देखते ही हैं, तो ऐसे ही मैं बिल्कुल शिक्षकगणों से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इसमें बड़ी अच्छी गुंजाइश है। और हमारे तो स्कूल कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उत्तराखंड में काफ़ी स्कूल्स में, मिडिल में, हाई स्कूल में, इंटर कॉलेजेस में काफ़ी जगह संगीत के अध्यापक प्राध्यापक हैं। और जिसमें वोकल मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गायन पे ही तवज्जो दी गई है। और मेरा विषय है सितार, तो सितार बड़ा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है। और एक किस्म से आप ये देखिए कि पंडित रविशंकर जी ने इसको इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि जन जन तक ये वाद्य बड़ा प्रचार हो गया। और इसकी आवाज़ गंभीर भी है, चंचल भी है, सारे ही रस इसमें निर्मित हैं, इससे निकल सकते हैं या आप अनुभव कर सकते हैं कि हाँ। तो ये इंस्ट्रूमेंट की खूबी है कि ये चित्त को आकर्षित कर लेती है। अब मैं आपको सितार दिखाना चाहूँगा, ये हमारा साज सितार। तो ऐसा नहीं है कि सितार एकदम से ही अपने इस रूप में आ गया, इतने प्रिसाइज रूप में आ गया है, बहुत सारे इसमें बदलाव हुए हैं। बोलते हैं कि ईरान में सहतार नाम से तीन तारों का एक वाद्य था, तो वहां से इसका नाम लिया गया सितार। कुछ लोग इसका नाम हजरत अमीर खुसरो से भी जोड़ते हैं, जो कि बहुत अच्छे कवि रहे खिलजी दरबार में। और लेकिन सितार का 19वीं शताब्दी में खुसरो खां करके एक हुए, उन्होंने ऐसा बोला जाता है कि ये मोटा मोटा ये रूप जो आजकल आपको दिख रहा है, ये चीज़ इसमें आई है, ये चीज़, ये रूप आप तब जाके इसका आया है। तो बहुत ही खूबसूरत नायाब इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा सारे गामा जो हम लोग गाते हैं, सारे गामा पदानी सा सानी दा पामा गरे सा। अब देखिए सारे गामा तो आप जानते हैं कि संगीत में सारे गामा होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बहुत किस्म के सारे गामा होते हैं। अब जैसे यमन का सारे गामा होगा तो उसमें तीव्र मध्यम सारे गामा पदानी सा सानी ना फामा गारे सा। अब एक सारे गामा बिलावल थाट का, सारे गामा पदानी सा सानी ना फामा गारे सा। अब ये अगर भैरवी का हो जाए, सारे गामा पदानी सा नीदा पामा। बहुत बढ़िया सर, अभी भैरवी का समय भी हो रहा है मुझे लगता है, ऐसा शाम का समय है, संध्या काल है, तो भैरवी में कुछ हो भी जाए साथ में। भैरवी ऐसा है कि लेकिन हम शिक्षक अभी नए सितार से या शास्त्रीय संगीत से नए जुड़े हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एकदम गंधर्व विद्या जिसको हम बोलते हैं, तो बच्चों ने समझा गंधर्व विद्या क्या, मतलब
क्या होती होगी, क्या मतलब एक दिमाग में आता है गंधर्व लोक क्या होता है, कैसा होता है, बच्चों ने समझ में नहीं आता था, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी माँ की कृपा से, बजाना तो उतना नहीं आया है, लेकिन तब भी हम जब बड़े लोगों को सुनते हैं, बड़े पंडितों को, साधुओं को सुनते हैं, तो वहां कुछ नजर आता है कि अरे भाई ऐसा भी हो सकता है, स्वर आपको उस दुनिया तक पहुंचा सकते हैं गंधर्व लोग। तो ये अनुभव तो हम लोग करते हैं, अब तो प्रयास भी रहता है, हमसे बसना है, हम लोग बजाते हैं, ये अनुभव हमारे दर्शकों को भी करवाइएगा सर जी, पूरी कोशिश रहेगी। अच्छा देखिए, पहले मैं सितार के विषय में आपको बता दूं, ये जो खूबसूरत साज है, इसमें ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रिंग्स हैं, ऊपर की स्ट्रिंग्स हैं, ये स्ट्रिंग्स को चढ़ाने उतारने के लिए खूंटियां हैं, तो पहले हम लोग सितार या कोई भी वाद्य बजाने से पहले उसको अच्छी तरह स्वर करते हैं, उसको एक एक शेप में लेके आते हैं, एक टोन में लेके आते हैं, ताकि वो राग अमुक राग बज सके। ऐसा नहीं है कि इस ट्यूनिंग में मैं राग भैरवी बजा लूं, इस ट्यूनिंग में मैं राग किरवानी भी बजा लूं, हर राग ये समझ लीजिए अलग अलग, हर राग अलग अलग घर है, हर एक का दरवाजा अलग से, हर एक की एंट्री अलग, हर एक के रास्ते अलग है, किसी का कोई घर पहाड़ पे है तो आपको फिर उसी तरीके से चढ़ाई करनी पड़ेगी, किसी का प्लेन्स में है तो फिर उस तरीके से घुमाव रहेगा उसमें, तो ऐसे ही अलग अलग रागों को हम लोग इसमें लेते हैं, और जब हम अभ्यास करते हैं तो हम लेते हैं कि पूरे सारे सारे गा मा पा धा नी सा सा नी सा पा मा गा रे सा, इनमें हम लोग रियाज करें, जैसे रात की रागनियों में यमन हो गया, शाम की रागनियों में मालकौंस हो गया, दरबारी हो गया, प्रातःकाल के राग, प्रातःकाल हमारा माना जाता है कि प्रातःकाल में जो अभ्यास कर ले वो सिद्धि, जो सुबह का जो पढ़ाई लिखाई हो चाहे रियाज हो, जो हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं कि प्रातःकाल को इतना महत्व दिया जाता है कि पढ़ाई तो आप करते हैं लेकिन उस पढ़ाई लिखाई में या संगीत सिद्धि, सिद्धि की जो बात है वो प्रातःकाल के समय में आपको ज्यादा वो रहता है कि हाँ चांसेस हैं कि आप सुबह के समय, तो हम लोग सुबह के समय बहुत सारे राग हैं, राग भैरव है, भैरवी है, तोड़ी है, तो जिनमें हम लोग रियाज करते हैं, बहुत कुछ रियाज करते हैं, और उसमें हमारे मेरे पिताजी तो बद्रीनाथ में रहे, स्वामी डी आर पार्वतीकर जी महाराज, जिनको हम वीणा महाराज भी कहते हैं, उनके वीणा महाराज जी के संसर्ग में रहे, और महाराज जी आपको शायद फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, पीछे महाराज जी की फोटो है, तो आप रुद्र वीणा बजाते थे, और उस समय ये बात है 1940s की, जब चमोली एक जगह है कर्णप्रयाग तक ही बस जाती थी, मतलब उसके आगे बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा थी काफी कष्टप्रद थी, तो गुरुजी कर्णप्रयाग तक आते थे बस से, फिर बद्रीनाथ जाया करते थे, और वहीं अपनी संगीत साधना गुरुजी ने अपनी तपस्थली वही बनाई, और उस बीच में वो गांव होते हुए देवप्रयाग रुकते थे, फिर उसके बाद कर्णप्रयाग, तो वो अलग अलग गाँव में हॉल्ट करते थे, और जैसे आज मैं शिक्षक, आज तो इंटरनेट का युग है तो एक साथ ही सबसे मैं कनेक्ट हो गया हूँ, तो गुरुजी स्कूल स्कूल में जा जाके संगीत का प्रचार प्रसार, भक्ति संगीत का प्रचार प्रसार, उस समय उतनी अच्छी दृष्टि से देखा भी नहीं आता था संगीत को जैसा हमारे पिताजी हमें बताते हैं, तो काफी जन जागरण का काम उस समय गुरु जी ने किया, महाराज जी ने किया, और महाराज जी को लोग बोलते भी थे द हिमालयन सेंट बोलते थे, और उस समय जैसे वो हमारे पिताजी बताते हैं कि जब वो इंडियन अलायंस में वो मैगजीन्स आती थी तो उसमें लिखा रहता था प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, सो देयर यूज्ड टू बी अ कॉलम इफ यू विजिट हिमालयस डू विजिट स्वामी डी आर पार्वती द हिमालयन सेंट, तो मतलब इतना वो 6 महीने खुला रहता था कपड़ा पट, और फिर 6 महीने फिर गुरु जी
यहाँ आते थे, वहां से निकलते, तो फिर लेते थे। तो पिताजी उनके साथ रहे, काफी कठोर दिनचर्या, मतलब दिन के 3 टाइम स्नान, संध्या वंदन, गुरु जी का लेखन कार्य, अपना अभ्यास। तो पिताजी ने जो किया है, हम तो सोचते हैं कि बाबा हम तो 2 दिन गुरु जी के साथ रह नहीं पाते, इतना कठिन। मतलब तो पिताजी आजकल के बच्चे कितना समय नष्ट करते हैं, हम कितना समय व्यर्थ करते हैं, वहां तो 1-1 मिनट का ऐसा हिसाब। तो मैं कहता हूँ पिताजी बस आप ही लोग कर पाए वो, हम तो बस उसको सुन के ही थोड़ा बहुत जो कर लें। आप उन लोग का प्रताप है जो हम लोग थोड़ा बहुत बजा रहे हैं सितार उसमें। अब फिर गुरु जी का मैं इसलिए जिक्र इसमें विशेष रूप से करना चाहूंगा कि हम लोग सारे गांव तो बजाते ही हैं, अब पूरी दुनिया सारेगामा में लगी है, नीरेगामा सारेगामा, लेकिन इसको भक्ति संगीत से कैसे जोड़ा जाए। तो गुरुजी ने इसमें देखिए सबसे पहली स्टेज जो होती है वो होती जप, ये हम भगवान का जप करें राम नाम, मेडिटेशन या ध्यानस्थ स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें पहले। तो गुरुजी क्या करते थे, जैसे हम लोग अभ्यास करते हैं इसी में नारायण जप, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। वाह बहुत बढ़िया। हाँ इसमें हम लोग फिर जो एक्सरसाइजेस हमारी होती हैं कि हम लोग अपने हाथों को काफी एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि उसका संचालन अच्छी तरह हो सके, राइट हैंड की अलग है, लेफ्ट हैंड की अलग है। और सितार में देखिए ये तो ऊपर के स्ट्रिंग्स में बता रहा था, और नीचे के जो स्ट्रिंग्स हैं देखिए इनको तरब के तार बोलते हैं, ये सिंपथेटिक स्ट्रिंग्स होते हैं और ये ऊपर मेन स्ट्रिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं। तो मतलब नोट को ब्राइट कर देते हैं, अगर गंधार नीचे बोलेगा तो नीचे गंधार की तरफ बोलेगी। तो इस तरीके से ये चलता है। अब हम लोग अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अभ्यास होता है सारे, जैसे सारे गामा प्लेन, फिर सारे गा रे गामा गामा प मा प ध, हरे राम हरे राम हरे राम, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। उस तरीके से हम लोग मतलब अभ्यास भी हो रहा है, जप भी हो रहा है, और जब होता है कि एक जप तो मुंह से होता है, एक अंदर ही अंदर जप होता है, उसमें प्राणायाम भी कि मतलब एक सांस में यहाँ तक आए फिर दूसरी सांस में वहां पीछे। तो इस तरीके से एक एक समय पे गुरुजी ने अभ्यास के ऐसे क्रम बताए हैं कि आप प्राणायाम भी कर सकते हैं, जप भी कर सकते हैं। तो एक प्रभु की और गुरुजी ने इस तरीके से बताया कि हम लोग तल्लीन हो सकते हैं, और बाकी अलग अलग राग रागियों का तो अभ्यास करना ही पड़ता है फिर। तो इस तरीके से सितार में हम लोग इस तरीके से अभ्यास हमारे घराने में हम लोग करते हैं, जो गुरुजी की परंपरा है। फिर उसके अलावा मैं उस्ताद विलायत खान साहब से काफी इंस्पायर्ड रहा, हमारे देश के बड़े ऊंचे कलाकार हुए उस्ताद विलायत खान साहब, और उस्ताद विलायत खान साहब के फिर जो परम शागिर्द या प्रधान शागिर्द बोलिए पंडित अरविंद पारिक जी जो बॉम्बे में हैं, तो उनसे आजकल मैं शिक्षारत हूँ, उनसे सीखता हूँ। तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मुझे नई जानने को मिली हैं, तो उन सब गुरुजनों का नाम मैं ले रहा हूँ, उनके आशीर्वाद से ही थोड़ा बहुत हम लोग जहाँ तक पहुँच पाए, उन लोगों का ही प्रताप है। और सितार में देखिए एक तो पर्दे पे बज गया, देखिए आप गाते हैं लेकिन जब आप बजाते हैं तो स्वर दिखने भी लगता है, जैसा ये सा,
अब सितार की खासियत ये है कि आप इतना ना जाके एक ही पर्दे से ये काम कर सकते हैं। एक डायमेंशन है, लेकिन आप डबल डायमेंशन में इसमें काम कर सकते हैं, ऐसे भी लीनियर भी जा सकते हैं और एंगुलर भी जा सकते हैं। तो ये बड़ी कैपेबिलिटी सितार की है, और पहले के जमाने में केवल दो स्वर की मेड, लेकिन आजकल इतना एडवांस हो गया सितार की चार चार स्वरों की मेड, रे गा मा पा पा मा गा रे, मैं आपको थोड़ा सा यमन यमन की दुनिया जो है हल्का सा मैं कोशिश करता हूँ कि यमन राग में आपको कुछ सुनाऊं, थोड़ा सा आलाप, थोड़ा सा आलाप, आलाप मतलब थोड़ा आलाप मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन।
बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं सर जिन्होंने आपके सितार वादन को सुन करके बहुत सारे सवाल भी भेजे हैं, टिप्पणियां भी की हैं, तो मैं कुछ सवाल और टिप्पणियां लेना चाहूंगा। दया जोशी जी कह रहे हैं कि शानदार, प्रभात उप्रेति जी कह रहे हैं कि सुरों की जबरदस्त पकड़ है, और उड़ीसा से जय जगन्नाथ अशोक कुमार प्रधान जी कह रहे हैं कि वाह ब्यूटीफुल। राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी कह रहे हैं अति सुंदर। मोहन पाठक जी रामनगर से कह रहे हैं बहुत सुंदर। राकेश जुगरान जी देहरादून से सबको नमस्कार भेज रहे हैं, और मोहन चौहान जी कह रहे हैं वाह। रजनीकांत शुक्ला जी ने बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट किया है कि संगीत जो है वो आत्मा का भोजन है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, संगीत वाकई आत्मा का भोजन है। लेकिन प्रभात उप्रेति जी के दो सवाल हैं सर, आप आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि उन सवालों के जवाब देते चलें। पहला सवाल उनका है, मैं स्क्रीन पर लाइव भी कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि आजकल के पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य भारतीय संगीत फ्यूजन के विचार से आप कितने वाकिफ यानी कि सहमत हैं। और दूसरा उनका सवाल है कि सितार में आज के दौर में कौन कौन से क्या का खास परिवर्तन हुए हैं। ये दो सवाल उनके हैं, तो मैं चाहूंगा कि इन दोनों के जवाब देते हुए आप चलें, फिर जोशी सर और बहुड़ा जी भी आपसे मुखातिब होंगे। प्रभात अंकल को मेरा नमस्कार, काफी समय से पिताजी के समकालीन हैं, तो गुरुतुल्य हैं प्रभात जी भी। अच्छा, इन जो प्रश्न था कि जो फ्यूजन जो हमारा वेस्टर्न के साथ है, देखिए पहली बात तो ये है कि जो वेस्टर्न म्यूजिक है या जिसको हम वेस्टर्न म्यूजिक समझते हैं, वेस्टर्न में भी क्लासिकल है, लेकिन जो हम वेस्टर्न को समझते हैं या आजकल जिसका प्रचार हो रहा है वो बहिर्मुखी संगीत है। उसमें आदमी अंदर से बाहर निकल के धूमधाम और ये सब चलता है, और हमारा संगीत ऐसा है कि बाहर से अंदर की ओर आता है, तो इनमें मेल मिलाप तो कहीं से कहीं तक नहीं। अब बाकी लेकिन इसमें यह है कि लोग फ्यूजन करना चाहते हैं, कि आजकल थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक तो चल ही रहा है, थोड़ा अब हर कोई अंतर्मुखी भी नहीं होना चाहता, और थोड़ा टेस्ट में चेंज भी चाहता है, म्यूजिक में भी इस तरह से चेंज आया। हमारी लाइफ स्टाइल में आप देखिए, हम आज से 25 साल पहले 30 साल पहले तक ही कैसे थे, लेकिन आज की डेट में हम कितना एक्सपोज हो चुके हैं दुनिया को, हम अलग सा सोचने लग गए। जब हम 20 साल पहले तक सोचते थे हम वैसा, हमारी सोच ही बदल गई, मतलब लाइफ को देखने का नजरिया ही अलग हो गया है। अब जब लाइफ को ही देखने का नजरिया अलग हो गया है, पहले होता था कि साधन कम और साधना ज्यादा, लेकिन आजकल साधना का कोई मतलब ही नहीं रह गया। वो तो उनके बस गुरु जी कितने समय में मेरा लड़का सीख जाएगा सितार। मैंने कहा भैया एक जन्म तो कम है, बाकी आप देख लीजिए, संगीत तो ऐसी चीज है। तो इतना पेशेंस नाम की तो चीज नहीं रही, बिना पेशेंस के ये चीजें बनने वाली नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप मान लीजिए कि एक जन्म क्या, ऐसे तो छटपटाते रहेंगे तो सात जन्म में भी नहीं होगा। जबरदस्त हो सकता है कि तो देखिए जितने भी कलाकार, हम लोग एक एक राग को पहले 6-6 साल 8-8 साल मारते थे, तो उससे एक जड़ हमारी पक्की होती थी। आजकल आप किसी से इतनी उम्मीद ही नहीं कर सकते कि बच्चा 8 साल सीखेगा 6 साल सीखेगा, वो भी एक राग को। अरे
लेकिन देखिए इसलिए इसलिए कलाकार इसलिए चुनिंदा कलाकार ही चुनिंदा ही चुनिंदा ही हो पाते चुनिंदा हैं ही हो उनको, पाते हैं उनको जैसे खिलाड़ी हमारे चुनिंदा खिलाड़ी हमारे होते हैं, चुनिंदा होते हैं जी कुछ ही निकल पाते हैं। निकल खेलना तो पाते हमें भी अच्छा खेलना तो लगता था हमें भी अच्छा लगता था बचपन में। लेकिन जब वो लेकिन प्रैक्टिस का जब वो टाइम आता प्रैक्टिस है का टाइम तो आता है 12 12 घंटे बारह बारह एक ही घंटे चीज एक करनी ही है चीज करनी फिर है उस समय वो खेल फिर उस खेल समय वो दिखाई खेल नहीं खेल दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए इसीलिए अगर आप अगर टैलेंटेड हैं आप संगीत टैलेंटेड हैं में संगीत में लेकिन संगीत लेकिन से आप संगीत से चाहते हैं आप संगीत चाहते हैं कि सीखनी ही संगीत है सीखनी ही है तो शिक्षा जब तो आप विद्यार्थी शिक्षा बन जब आप जाते हैं तो वो विद्यार्थी बन साधना जाते शुरू हैं हो तो साधना जाता है। शुरू हो जाते तो साधना तो में कौन कितना साधना में तटस्थ कौन रह कितना सकता तटस्थ रह सकता तो वही तो उसमें कुछ वही कर कुछ पाता है। कर पाता है। और अब फ्यूजन में और अब फ्यूजन में देखिए अब देखिए फ्यूजन फ्यूजन में अब में अब शास्त्रीय संगीत इसलिए शास्त्रीय जाने संगीत लगा इसलिए जाने कि लगा कि एक तो एक तो जीविकोपार्जन जीविकोपार्जन के लिए के लिए क्योंकि क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक बहुत डिवाइन चीज बहुत है। डिवाइन चीज बिल्कुल है। ऐसा बिल्कुल है कि ये ऐसा है कि प्रकृति ये प्रकृति मतलब मतलब हिंदुस्तान में ही केवल ऐसा हिंदुस्तान में संगीत ही है केवल एक ऐसा संगीत हम है देश एक विदेश में हम कभी देश विदेश संगीत में बजाते हैं संगीत बजाते हैं ये इको हो रहा है ये ठीक है इको हो रहा है म्यूट ठीक है म्यूट कर दे तो आप लोग कर दे तो आप लोग धन्यवाद। विदेशों में हम लोग जब गाने बजाने जाते हैं यहाँ के लोग तो समझते हैं कि हाँ कि ये क्या है थोड़ा बहुत रिलेटिवली उनसे कंपैरेटिवली जानते हैं कि हाँ लेकिन जब वहां हम गए तो उन्होंने कहा वो दे वर न्यू टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में अपेरेंटली दे वुड हैव सीन सितार बिफोर बट उन्होंने कहा चलो आज आज जलसा है तो हम लोग चलते हैं। तो मैं और हमारे तबले वाले हम लोग गए पहुंचे अब केवल हम दो लोग तानपुरा हमने वो इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा चल गया तो वो ले लिया हम दो लोग बैठे थे स्टेज पे। अब 1.5 घंटे का शो था उसमें बीच में 5-7 मिनट का ब्रेक तो अब हम भी डरे सहमे थे कि पता नहीं ये लोग क्या समझेंगे और वो भी डरे सहमे थे कि ये दो लोग क्या करेंगे हमारे यहाँ तो पूरा बैंड आता है 8-10 आदमी जब आएंगे और हाँ अपने हिसाब से। तो धीरे धीरे देखिए हमारा तो कुछ कुछ नहीं है मैं आपको सही बताऊं ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में या हमारे बुजुर्ग लोग जो हुए हैं उन्होंने इतना सोचा है इसमें कि आप भले कुछ मत सोचिए खाली उनके राह पे चलते जाइए आप अपना आप ही आनंद देते चले जाएंगे लोगों को। अपनी ओर से अगर आप कुछ भी ना कीजिए बस पेशेंटली उनका जो सबक है या उनके जो मार्गदर्शन है यमन को यमन की तरह पेश करिए भैरव को भैरव की तरह बरतिए कुछ में उसमें मिलावट ना करके केवल शुद्धता बरत के आप पेश कर दीजिए तो उसमें ही उनको स्वाद आने लगेगा। तो हमारा भी प्रयास रहता। खैर वो जब कार्यक्रम पूरा हो गया तो सब बड़े स्तब्ध मतलब कोई ताली नहीं बजी हमने कहा कुछ यार गड़बड़ हो गया कुछ समझ में नहीं आया। तो थोड़ी देर बाद वो 1-2 मिनट बाद फिर ताली बजाने लगे कि उनको इतना आनंद हो गया। तो मैंने फिर ग्रीन रूम में कुछ लोग मिलने आए तो मैंने कहा कहने लगे सर आप बहुत अच्छा रहा हमें बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। मैंने कहा एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि हमारे यहाँ तो बीच बीच में भी ताली बजाते हैं जब हम लोग अच्छा काम करते हैं किसी को लेकिन हम यहाँ तो प्रोग्राम के बाद भी ताली एकदम से नहीं बजे मतलब कह रहे सर हमें तो ये समझ में नहीं आया कि दो लोग मिलके केवल दो लोग मिलके ऐसा संगीत कैसे कैसा जादू कैसे बिखेर सकते जो काम हमारे यहाँ 7-7 8-8 आदमी मिलके करते हैं तब जाके वो माहौल वो ऑरा या वो ट्रांस में हम लोग जाते हैं वो तो आप दोनों लोगों ने मिलके कर दिया बताइए। और ऐसा ताना बना कि मैंने कहा देखिए ये तो हमारी महत्ता नहीं है शास्त्रीय संगीत की महत्ता है जो उस्तादों ने राग बनाए हैं उनमें जो गत बजाई है जो गत काम है जो गुरु लोगों से हमने थोड़ा प्रसाद पाया है और थोड़ा उनके अंदाज से हम लोग कुछ बोलना सीखे हैं इसके द्वारा तो ये सब उन लोगों का है हमारा कुछ नहीं है। तो वो भी बड़े आश्चर्य हम भी बड़े आश्चर्य। अच्छा तो फ्यूजन का ऐसा है कि आजकल लोग ट्रेंड बनाने लग गए हैं कि थोड़ा सा कल्चर डिफर तो हुआ है यूथ यूथ की जो डिमांड है कि थोड़ा मूविंग टेम्पो में कुछ किया जाए या वो सब किया जाए तो वहीं तक ही वेस्टर्न म्यूजिक के साथ फ्यूजन का आनंद आप ले पाते हैं। और मेरे ख्याल से जो भी अबव 40 हैं या कुछ हैं वो फ्यूजन का आनंद नहीं ले सकते वो केवल कॉलेज वालों कॉलेज की पीढ़ी तक जो है कि थोड़ा गिटार लगा के थोड़ा ये सब करके तो उनके लिए और वो उस समय देखिए हर एक एज में ना अलग अलग चीजें आकर्षित करती हैं।
बचपन में अध्यात्म समझ में नहीं आता था, लेकिन उस समय कुछ और चीज़ें चाहिए थी। उस समय बस एक बलून मिल जाता था, हम उसमें खुश हो जाते थे। लेकिन अब आज की डेट में हमें कोई बलून हाथ में देते हैं, हम कहेंगे अरे ठीक है। तो हमारी नज़र जहाँ तक है इंटरेस्ट की, तो यही अभी इंटरेस्ट ये चल गया है कि थोड़ा बहुत फ्यूजन म्यूजिक में थोड़ा पैसा ज़्यादा है, तो लोग ये सब कर रहे हैं। लेकिन वो फ्यूजन बजाने के लिए वो लोग म्यूजिक अलग से म्यूजिक करते हैं। फ्यूजन म्यूजिक का ना कोई रियाज होता है, ना उसका कोई सबक है। सबक केवल क्या है, अगर सितार बज रहा है तो सितार की तालीम शास्त्रीय संगीत से ही होगी, गिटार की तालीम है तो फिर वो गिटार का अपने जो उन लोग का शास्त्रीय संगीत होता है वो गिटार का वैसे ही मेहनत करेगा। फिर फ्यूजन तो फिर बात की चीज़ है, फ्यूजन का कोई शास्त्र नहीं। लेकिन आपको शास्त्रीय संगीत आता है, आपकी जड़ मजबूत है, तो आप कैसा भी संगीत में एक किस्म से मिक्सचर कर सकते हैं या उनका एक वेंचर बना सकते हैं। तो थोड़ा सेंसिबल हो तो वो अच्छा भी लगता है। ऐसा भी नहीं कि सब लोग नॉनसेंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कुछ लोग बहुत सेंसिबल ही करते हैं और उन लोगों की डिमांड भी होती है। तो ये बात है कि दोनों का फ्यूजन बड़ा मुश्किल है करना, लेकिन जो अच्छी तरह कर पाया, सेंसिबली कर पाया, तो वो हर एक एज के लोगों के लिए मेरे ख्याल से आनंद आनंद देने वाला होता है। नहीं तो फिर वो कुछ ही खास युवा वर्ग के लोगों के लिए वो चीज रह जाती। और एक और सवाल त्रिपाठी जी ने, उप्रेती जी ने बोला था, कौन एक बार रिपीट करेंगे आप? भट्ट जी एक सवाल और था। हाँ, एक तो ये फ्यूजन वाला था सर, और दूसरा सवाल उनका था कि हमारे जो सितार का जो प्रारंभ से अब तक जो यात्रा रही है उसमें क्या क्या बदलाव आए हैं, ये वो जानना चाह रहे हैं। देखिए ये सवाल है सर लाइव। एक जमाना ये था कि हम लोग अभी भी तानसेन जी का नाम लेते हैं, कि हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम युग था, तानसेन जी, हरिदास जी और बैजू बावरा, तो ये उस समय गोल्डन पीरियड माना जाता था। लेकिन हमें तो ये कहेंगे कि उन 100 साल पहले के बाद आज अभी जो जमाना गया है, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद विलायत खान साहब, भीम सिंह जोशी जी, बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद आमिर खान, ऐसे साधक हुए हैं, मतलब युगों में ये लोग पैदा होते हैं। इन लोग को कम से कम हम लोग कितनों को तो हम लोग लाइव सुन पाए, लेकिन जितने को नहीं सुन पाए उनके कम से कम रिकॉर्ड हमारे पास हैं। तो हम तो इसको स्वर्णिम युग ही कहेंगे कि जो उसके बाद फिर स्वर्णिम युग ये आया। अब इसके बाद पता नहीं 300-400 साल और लगेंगे, और जिस और जो दिशा दिखाई दे रही है अभी क्लासिकल की, उसमें तो लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, भविष्य के लिए बड़ी अनिश्चितता है। और जी हम आसानी देंगे स्वर्णिम युग आप लोग लेके आएंगे, अगला स्वर्णिम युग जो है डॉक्टर गोपाल कृष्ण शाह लेके आएंगे, उनके साथी उनके शागिर्द लेके आएंगे। धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। आप लोग उम्मीदें हैं, हम लोग प्रयास में हैं कुछ आप लोग को और कुछ योगदान दे सके। रही सितार में जो परिवर्तन आए हैं, तो सितार में काफी परिवर्तन आए हैं। अभी अभी हम लोग कुछ 1902 के रिकॉर्ड सुन लें, जैसे उस्ताद इनायत खान साहब के, उस्ताद इनायत खान साहब के, तो उसमें प्रतिजी ये था कि मिजराब का काम बहुत स्ट्रांग था, क्योंकि तारों की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी कि खींच सकें, और ये चीज इतनी नहीं थी कि इतना हम लोग जा सकें, तरब नहीं थे, नीचे के तार नहीं थे, तो उस समय की गतें प्रायः ये बड़ा मजबूत चलता था उन लोगों का, इसमें ज्यादा फोकस था।
अब उसके बाद तो गाना बजाना बहुत लिमिटेड था, सितार में बहुत लिमिटेशंस थी, ज़्यादा पर्दे की मेड़ नहीं सकते हैं, मंद्र में ज़्यादा तार। अब इसमें यहाँ पर क्या हुआ, टर्निंग पॉइंट तब आया जब उस्ताद विलायत खान साहब और पंडित रविशंकर जी एक साथ फेम में आए, तो उन्होंने अपने अपने ढंग से सितार में चेंज किया, उसमें अलग अलग तरीके से चेंज किया। अब पंडित रविशंकर जी ने तो क्या किया, इसमें गंभीर तार लगाए, मतलब मोटे तार लगा के, तो जैसे मतलब ऑक्टेव्स बढ़ा दिए, सा नी धा पा मा गा रे सा, इसके पीछे भी और बड़े ऑक्टेव, और फिर और नीचे अति मंद्र में जाके उन्होंने मंद्र के तार इसमें दिए, जिससे एक गांभीर्य सितार, देखिए सितार की बेसिक टोन थोड़ा चंचल किस्म की, इसमें ट्रेवल ज्यादा है, जैसे सरोद की एकदम से गंभीर टोन है, लेकिन सितार में क्या है कि थोड़ा चंचलता लिए हुए सितार, तो उसमें गंभीरता लाने के लिए पंडित जी ने इसमें दो और तार होते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ तार जो होते हैं अति मंद्र के तार होते हैं, तो उसमें बड़ा आलाप होता है, बड़ा गंभीर सा वो लगता है, तो ये चेंज तो उन्होंने किए और तंत्रकारी पे विशेष जोर दिया। और दूसरी तरफ विलायत खान साहब ने क्या किया कि पैटर्न चेंज करते हुए इसको सागा पा एक कॉर्ड सा बना दिया, सागा पा, मतलब दोनों की ट्यूनिंग स्टाइल, दोनों का वे ऑफ प्रेजेंटेशन और एक गायकी अंग हम लोग बोलते हैं जो विलायत खान साहब ने इसमें इजाद किया, जैसे आप लगे कि आप गा रहे हैं नेरे गाना, होता ना एक स्वरों में कॉन्टिन्यूटी हम लोग अगर देखें, थोड़ी माइन्यूट बात है लेकिन आपने पूछी तो मैं जरूर बताऊंगा, नेरे गाना, तो ऐसा ही सितार बढ़ते, नहीं तो सितार में क्या है अगर खड़ा खड़ा बजाए, लेकिन वो बात नहीं जो हम गा रहे हैं नेरे गाने, तो ये अब थोड़ा हम करीब पहुंच सके गले के, तो इस तरीके से बहुत सारा गायकी अंग प्रधान करके विलायत उस्ताद विलायत खान साहब ने सितार में परिवर्तन लाए हैं। ये तबली मोटी करी है ताकि इसकी आस बढ़ जाए, क्या होता है कि हम जैसे स्ट्रोक मारा आवाज खत्म, जैसे गले में से हम आवाज निकालते हैं सा सस्टेन है, लेकिन अब सितार वाद्य है इसमें आप मारेंगे तो थोड़ी देर तक ध्वनि रहेगी फिर बंद हो जाएगी, लेकिन अब ये जो तबली होती है इसको खान साहब ने थोड़ा और मोटा किया, लेकिन मोटा करने से क्या होगा इसका थोड़ा आस जो वो रेंज बढ़ गई, थोड़ा और सेंसिटिव माइक होगा तो आपको और देर तक सुनाई देगा। तो दो मेजर चेंजेस सितार में आए, एक तो गायकी अंग गंधार पंचम स्टाइल जो विलायत खान साहब लेके आए, और एक लरज खरज का बाज जो पंडित रविशंकर जी लेके आए, और उस बाज को उस्ताद हलीम जाफर खान साहब भी काफी बजाते थे और काफी उनका कमांड था उन चीजों में। तो सितार तो अब इतना आगे पहुंच चुका है कि टेक्निकली भी और बहुत आगे सितार पहुंच चुका है आज की डेट में, और बहुत ही प्रिसाइज्ड, और जो साउंड आप निकालना चाहें वो साउंड इसमें से निकल सकती है, और इसकी जो जवारी होती है ये काफ़ी मेन होती है, इसको घिसना पड़ता है, इसमें से फिर तार बन के जाते हैं, तो वो साउंड क्वालिटी को बहुत डिफर कर देता है। तो इसमें आप शास्त्रीय संगीत में सितार में आप आलाप से लेके जीरो लय से लेके बिल्कुल स्पीड तक आप लोग एक वादन का आनंद ले सकते हैं, तो उसमें अलग अलग, और स्पीड से क्या होता है, कम स्पीड रहेगी तो शांत रस ज़्यादा आपको नजर आएगा, उसमें आपके दिल को छुएगा, थोड़ा सा स्पीड आएगी तो थोड़ी सी रोमांच आप में बढ़ेगा, या थोड़ा सा थोड़ा और आगे जाएंगे तो फिर एक ट्रांस की स्टेट भी आती कि सब इतना रिदमिक हो जाता है, और उस पर लहरियाँ बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्वरों की बारिश हो रही है, जब हम झाले पे आते हैं
उस तरीके से अलग 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 इसके स्टेजेस हैं। एक परफॉर्मेंस में जो हम लोग परफॉर्मेंस देते हैं, तो कंप्लीट परफॉर्मेंस आप समझ लीजिए कम से कम 2 घंटा लेता है। अगर आप एक एक को अगर आप सही तरीके से बढ़ते हैं तो कम से कम 2 घंटा आपको लग जाएगा एक एक चीज दिखाने में। अब थोड़ा दौड़ भाग की दुनिया है और समय भी सबके पास कम है, तो संक्षिप्त रूप में हम लोग कभी पौने घंटे में पूरा करना पड़ता है, या पूरे पौने घंटे का प्रोग्राम है तो 30-35 मिनट आपने राग बजाया, 10 मिनट कोई धुन बजा दी। तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्रोमाइज, हम भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और श्रोताओं को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। श्रोताओं तक वो पहुंच ही नहीं रहा है जो एक्चुअल में चीज है, और एक्चुअल में चीज अगर किसी को चाहिए तो फिर कुछ शौकिया लोग होते हैं, वो बिल्कुल सुनने के लिए आतुर रहते हैं कि नहीं हमें सुनाइए। अलग से महफिल होती है, बैठक ही होती है, तो बैठक ही संगीत में फिर सीना ब सीना हम लोग सीखना शुरू, नहीं वो उनको सुनाना शुरू करते हैं, फिर जानकार लोग तो उसका आनंद लेते हैं। जी, मैं बहुत देर से बहुत सारे दर्शकों के लगातार टिप्पणियां आ रही हैं, और गंजन जोशी लगातार आपको याद कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि दादा एक रचना भी सुना दीजिएगा। हम रचना सुनेंगे सर, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपसे और जानना और शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे आपने कहा कि सितार सीखने के लिए एक जन्म कम है और 7 जन्म भी कम है संभवतः, और आप स्वयं जो है इतने बड़े घरानों से सीख करके उसके बाद अभी भी आप पारिक साहब के साथ सीख रहे हैं, जब आप खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और सीख रहे हैं, तो ये हमारे सारे शिक्षक समुदाय के लिए एक संदेश है कि सीखना कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है तो सीखना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और ये सीखने की प्यास हमेशा बढ़ते बढ़ते रहनी चाहिए। जैसे कि आपकी हमने देखा कि आप अभी भी आप एक अच्छे मुकाम पर हैं, उसके बावजूद आप लगातार शागिर्द बने हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अप्रिसिएबल है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा सबसे पहले। और दूसरा, जो आपने बहुत सारे परिवर्तन बताए, लोगों ने बहुत तारीफ की कि ये बहुत कमाल के हैं, और प्रभात उप्रेती जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने जो है आप जैसी शख्सियत हमारे शो के माध्यम से सामने आई, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। योगिता पंत जी और मुकेश प्रसाद बोगणा जी, उन सबके सहयोग से, सज्जन से आप हमारे साथ आए, और जोशी जी भी हमारे साथ बहुत देर से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नई पीढ़ी को सर थोड़ा सा सुगम संगीत ज़्यादा भाता है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि शास्त्र की ओर जाना एकदम आसान नहीं है। आपको क्या लगता है, थोड़ा ये बताइएगा, और फिर जोशी सर आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, सुगम संगीत जो है, सुगम में थोड़ी समझने में सुगमता होती है, इसलिए थोड़ा वो अट्रैक्ट करता है। उसमें सुगम संगीत में या चित्रपट संगीत में कम समय में आपको काफी अच्छी चीजें पेश की जाती हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ों का अर्क आपको दिया जाता है, तो एकदम से टेस्ट को एकदम से इन्हेंस टेस्ट होता है, तो एकदम से वो आपको अच्छा लगता है। सुगम संगीत जो है, हम भी पार्श्व गायन हम लोग भी सुनते हैं, रफी साहब हो गए चाहे किशोर दा हो गए, उनको भी सुनने का अलग आनंद है, उसमें भी अलग आनंद है। अब शास्त्रीय संगीत में ये है कि इसका जब आपको आनंद जिस दिन आने लग गया, फिर आपको उसकी जरूरत महसूस होती रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको संगीत, सुगम संगीत अच्छा लगेगा, लेकिन आप कहेंगे यार थोड़ा सा और हाई लेवल, मतलब थोड़ा सा और। अब देखिए, सुगम संगीत में आपका कोई फेवरेट गाना होता होगा, जैसे मैंने 4-5 गाने मेरे फेवरेट हैं, मैं जब भी समय मिले तो मैं उनको जरूर लगाऊं कि चलो यार ये सुना जाए। लेकिन शास्त्रीय संगीत में आप जैसे आज हम यमन बजा रहे हैं, या कोई आर्टिस्ट यमन बजा रहा है, तो आज का यमन अलग रहेगा, कल का यमन अलग रहेगा, परसों का यमन अलग रहेगा, तो वो तो ऐसी निरंतर धारा है कि बस वो नदी में नहाना है कि आज 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 नदी का वेग ये है, आज इसका मूड ये है, और आज का पानी में ये ठंडक है, ये गर्मी है आज। और सुगम संगीत जो है कि बस आपके जो अपने प्रिय हैं तो आप उसी तालाब में नहा के वहीं खुश हैं, तो
तो एक इसमें उपज अंग बहुत है। देखिए आप शास्त्रीय संगीत जब आप सीखना शुरू करते हैं तो इट्स लाइव, जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई सोचा समझा नहीं कि हम आपसे क्या बात करेंगे, आप हमसे क्या बात करेंगे, लेकिन जब हम बात करना शुरू करते हैं तो एक ताना बाना बुनता जाता है शब्दों का, विचारों का, विजन का। कभी कभी होता है शब्द असमर्थ हो जाते हैं लेकिन हमारी बात आपको समझ में आ जाती है, या हमारी बात आपको समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही हम लोग जब संगीत शुरू करते हैं, कोई राग शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता है कि बजाने वाला भी उस चीज को देख रहा है कि अब आगे क्या होगा, और सुनने वाला भी, दोनों एक हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखें अगला पर्दा खुले तो क्या स्वर निकलेंगे या क्या चलेंगे। तो इट्स वेरी लाइव, और जो लाइव का मजा होता है, आप समझ रहे हैं, जो लाइव का मजा है वो है क्लासिकल म्यूजिक में उपज। और सुगम संगीत में भी ऐसा है कि जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजों को एक ही कॉन्ट्रैक्ट करके आपके सामने पेश कर देंगे, और उसमें राग रागनियों का इतना अच्छा मिश्रण ये लोग करते हैं। जैसे अब यमन से ही बहुत सारे गाने बने हुए हैं सुगम संगीत में, इतने हृदय स्पर्शी हैं कि क्या कहने हैं। जैसे जब धीर चले आना, जब शाम ढले आना, तो हम सितारों बजाते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और है हृदय स्पर्शी है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, इन्हीं लोगों ने लिया दुपट्टा, तो है सारा शास्त्रीय संगीत के इर्द गिर्द ही सारा ताना जी। हमारे एक दर्शक ऐसे राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, वो कमेंट कर रहे हैं कि फिल्मी संगीत भी कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत का पुट लिए हुए होता है, और कभी कभी फिल्मी गानों में शास्त्रीय संगीत पूर्णतः परिलक्षित भी होता है। हमारे यहाँ कई संगीतकारों ने सितार का बखूबी प्रयोग किया है, जैसे मधुबन में राधिका नाचे रे, मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी, और दिल की ये आरजू थी कोई दिलरुबा मिले, जैसे गानों में सितार की गूंज मुझ जैसे साधारण व्यक्ति ने महसूस किए करें। और पंडित रविशंकर जी ने गोदान सहित बहुत सारी फिल्मों में संगीत भी दिया है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। और फरीदा शौक जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, और कह रही हैं जी कि बर्फबारी और मौसम खराब होने के कारण बहुत देर से जुड़ी हैं। सलाम पेश कर रही हैं आपको फरीदा में। नहीं, आप सबको अरे बहुत आप सलाम, आप लोग का सलाम, आप एहतराम। लोग का एहतराम। अच्छा, ये जो आपने बात कही सर, बिल्कुल हमारे राकेश जुगरान जुगरान सर के भी दिल में उतर गई कि सुगम संगीत धारे में नहाने जैसा और शास्त्रीय संगीत समंदर में गोते मारने जैसा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से ये इस बोल तरीके सकते से हैं ये बोल इसको, सकते हैं इसको, मतलब कहने का मतलब तात्पर्य कहने का है तात्पर्य है घड़ा और सागर घड़ा वाली और बात है। और अभी जो फरमाया कि फिल्मी संगीत, जैसे सारे गानों का बेस आप देखिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी राग से वो जाके मिलेगा ही। और और रागों में एक्चुअली इतनी शक्ति है, तभी ये राग देखिए आज जो हमारा दरबारी है, जौनपुरी है, तोड़ी है, ये 100 सवा 100 साल पुराने राग नहीं है, ये 400 500 हजारों साल पुराने राग है। और हजारों साल में इंसानी सभ्यता बदल जाती है, वर्ण बदल जाते हैं, हमारे रंग रूप बदल जाते हैं, लेकिन रागों का वही स्ट्रक्चर कायम है। तो मतलब वो इतने स्टेब्लिश्ड हैं अपने आप में, वो स्वर लहरियां इतनी स्टेब्लिश्ड हैं कि उनमें इतना प्राण है, इतना ओज है, इतनी पावर है कि अभी तक भी वो जैसी हैं, बिल्कुल एक जैसे शिल्प की तरह वो अखंड रूप से खड़ी हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे राजा सारे हमारे बदले ही राज जो नहीं, बदले ही नहीं है। जी तो इतनी सर, शक्ति आपने उनमें है। शक्ति उनमें है। जी आपने सर जापान से लेके यूरोप तक बहुत सारे देशों में अपनी प्रस्तुतियां दी, बहुत सारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे मंचों में आपने प्रस्तुतियां
बहुत शानदार शानदार प्रस्तुतियां दी, चाहे आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो या भारत के बहुत सारे शहर। कोई ऐसा अनुभव सर हम आप सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो खासकर अगर विदेश में आपका रहा हो संगीत को लेकर के, कि जो आपके हृदय को छू गया हो और आप शेयर करना चाहते हो उनसे? एक तो मैंने अनुभव पहले बताया था कि वो लोग इतने अमेज थे कि दो संगीतकार मिलके इतना बड़ा ताना बाना बुन सकते हैं, 1.5 घंटा हम लोग को इंगेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक बार हम लोग उधर गए थे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था रोम में, 2007 की बात है मेरे ख्याल से। हाँ, 7 में हम लोग गए थे। तो मैं यहाँ से, एक वायलिन वादक थे, एक तबले में थे और एक गायिका थी। वो हम लोग सब टीम से गए थे, थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने साथ कंबाइंड म्यूजिक प्रस्तुत करना था। एक दिन मेरा सोलो था, ऐसे करके 3-4 दिनों का वहाँ हर इवनिंग कार्यक्रम था। तो 3-4 दिन का वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। तो उसमें लास्ट डे में क्या हुआ कि जो इटली के टॉप जैज म्यूजिशियंस थे, वो लोग, उन्होंने कहा कि चले हम लोग एक इंसेम्बल करते हैं, वो फ्यूजन वाली जो बात है। तो हम लोग साथ में गाना बजाना करते हैं। तो हमने कहा अच्छा चलिए, वो शाम को शो है तो वो सुबह आ गए, उनका चले सब प्रोफेशनल्स हैं तो एक दिन में देखते हैं क्या हो सकता है। तो अब वो पहले उन्होंने कहा कि आप अपनी कंपोजिशन, हम आपका कुछ बजाते हैं और आप हमारा कुछ बजाइए। तो जो भी हम उनको बता रहे थे, तो उनको आदत है पढ़ के बजाने की, मतलब कंपोजिशन उनको पढ़नी होगी, वो बजाएंगे और बिल्कुल पढ़ते पढ़ते समझ लीजिए कि जो लिखा होगा वही, इतनी साधना उनकी उसमें है कि वो आगे से चल रहा है और वो यहाँ से निकल रहा है। अब हमने तो हमने जो हमारा तो एक दो कंपोजिशन थी राग भैरवी में और इसमें, हमने उनको दे दी कि आप ये बजाइएगा। तो उन्होंने कहा ऐसे सुना के नहीं, आप हमें लिख के दीजिए तो हम फॉलो कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम एक दूसरे का मुंह देखें भाई क्या कर रहे हैं। तो अब एक को आती थी स्टाफ नोटेशन, उसने लिख दी स्टाफ नोटेशन। अब उन्होंने फिर हमको, हमने कहा आपका जो हम बजाएंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल तैयार है। उन्होंने ब्रीफकेस खोला, एक फोटो स्टेट कॉपी पकड़ा दी हमको हाथ में। हमने कहा ये काला अक्षर भैंस बराबर है हमारे, हमें तो बस यहाँ तो सुनाई दिया और यहाँ से हम लोग शुरू हो जाते हैं। हम लोग तो पढ़ना लिखने वाला कुछ नहीं है, यहाँ जो हमारे पढ़ते हैं तो वो हम हम कानों करते से हैं वो पढ़ते हम हैं। कानों से करते तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने रिहर्सल में, उन्होंने कहा तो देखते हैं फिर, अब वो जो बजाए उसका प्रत्युत्तर हम लोग फटाफट दे दें कि ऐसा अच्छा वो यहाँ से ये, तो हम यहाँ से ये उसका काउंटर है। तो वो बड़े आश्चर्य में, अरे भैया तुम बिना पढ़े तुम बजा रहे हो? मैंने कहा हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। तो रात को खैर जलसा हुआ, काफी अच्छा रहा। और लास्ट में हमारी भैरवी इतनी छा गई वहां, वो एक कंपोजिशन थी मैं आपको हल्का सा, आया करो जरा कह दो सावरिया से, आया करो कह दो सावरिया से आया। तो अब वो वहां से वो पीछे चलो बेस और ट्रम्पेट, तो अब ट्रम्पेट वाला बड़े जोश में आ, उसको इतनी पसंद, पा 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 पा, वो खड़े खड़े नोट लगाए। अब जब हमारे इतना घुमाव है, घुमाव है, आया करो, अब उसको इस लोच से कोई मतलब नहीं। तो पा 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 आया करो जरा कह दो सांवरिया। तो अब हम कहें यार ये ऐसे तो भैरवी तो, लेकिन वो जब हमने देखा उसके बाद कि जैसी शो खत्म हुआ लोग बाहर निकल रहे थे, सबकी जुबान में, मतलब पूरा कॉन्सर्ट वो 1.5-2 घंटा चला और वो भैरवी ऐसी हमारी छाई कि सब लोग पा 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 पा, वो इतना छा गया वहां। तो बाद में उन्होंने, एक ने पूछा जो हमारी सेक्रेटरी थी वहां की, आई वंडर हुज कंपोजिशन इज दिस, इज इट फ्रॉम आवर इटालियन कंपोजिशन और इज इट इंडियन।
आई सेड थैंकफुली सिंगिंग वो बड़ी अच्छा उन्हें लगा कि ये शायद इटली की है तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ अच्छा इंडियन है तो कहने लगे वाह आनंद आ गया ऐसा इसने खींचा तो ये बड़े एक्सपीरियंसेस रहते हैं हमारे इंडियन म्यूजिक जादू को दिखाई देता है बहुत शानदार अनुभव रहा सर और हमारे एक बहुत ही युवा सरोदवादक है स्मित तिवारी जी आपको याद कर रहे हैं अरे स्मित आज के बहुत ही आज की पीढ़ी के बहुत ही आपके समझ में युवा पीढ़ी में और नैनीताल में ये हल्द्वानी में आनंद सिंह जी हैं उनकी वाइफ चमिष्ठा जी हैं और भी बहुत सारी नई युवा पीढ़ी इसमें तैयार हो रही है तो अब हम तो ये चाहते हैं कि उत्तराखंड की किस तरीके से सेवाएं की जाएं और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कलाकारों से ये रिक्वेस्ट है या आप लोग स्कूलों से भी ये रिक्वेस्ट है कहीं थोड़ा बहुत भी देखिए ये सब संस्कारों की बात है ये चीज़ें संगीत ऐसा कि संस्कार थोड़े डालने पड़ते हैं बच्चों में तो हम लोग कभी आपके स्कूल आएँ या कहीं हुआ कि चले हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो चले एक इंटर स्कूल में या हाई स्कूल में एक शाम का आधे पौने घंटे का एक घंटे का या दिन के स्कूल के टाइम में कुछ रख लिया जाए तो बच्चों को एक एक्सपोजर मिलेगा टूवर्ड्स क्लासिकल म्यूजिक नहीं तो देखिए वो वही मोबाइल आज के सब में आ गया तो फिर वो मोबाइल में क्लासिकल कोई नहीं सुन पाएगा जब उनको थोड़ा कहा जाएगा कि हाँ ये देखिए शास्त्रीय संगीत है ये सारे गामा पैदा नहीं था और मैं देखता हूँ उत्तराखंड से जितने बच्चे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में आते हैं तो काफ़ी सुर में हैं जो स्कूल की वहाँ तालीम है या जो वहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ सिखा रहे हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और जितने भी बच्चे यहाँ ऑडिशन के लिए आते हैं तो देखिए अब बोलते हैं कि देवभूमि है उत्तराखंड है तो यहाँ थोड़ी बहुत कृपा तो है सरस्वती माँ की कि अच्छे बच्चे यहाँ अच्छे टैलेंट्स हैं और अच्छे जैसे हमारे सरोदवादक हैं इस तरीके के बहुत सारे हमारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं जिनको ये एक्सपोजर नहीं है बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया सर हम कोशिश करेंगे कि विद्यालयों में इन सबके साथ छोटे छोटे एक एक घंटे के कार्यक्रम कराए जाए स्मित तिवारी हमारे इसमें सहयोगी रहेंगे गोपाल जोशी हल्द्वानी में बांसुरी वादक हैं अच्छा आपने शर्मिष्ठा चक्रवर्ती जी का बिष्ट जी का नाम लिया तो वो आपके लिए उन्होंने एक सवाल भेजा है सर शर्मिष्ठा पूछ रही कि एक अच्छे गुरु का एक शिष्य को कलाकार बनाने में क्या योगदान है आपके हिसाब से आप क्या समझते हैं देखिए शर्मिष्ठा भाभी जी बहुत अच्छी गायिका हैं और उत्तराखंड में बहुत अच्छा नाम कर रही हैं और बंगाली हैं और हमारे आनंद शेरदानपट जी की आप कहू हैं तो बड़ा अच्छा सवाल है देखिए गुरु से आप एक्सपेक्टेशन रखिए ज्ञान की तालीम की कि वो अच्छी तरह आप कि आपको अच्छी शिक्षा गुरु से मिले बस आप इतने तक ही उनसे वो रखिए बाकी देखिए गुरु आपको एक कलाकार बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते आपको आपकी जो सेवा भाव से आप जो पात्रता है उसको देख के गुरु आपको सब कुछ अर्पण कर देता है मतलब निछावर कर देता है और गुरु का अर्थ देखिए गुरु इतना वास्ट शब्द है कि पहले हमारे यहाँ होता था कि आप किसी गुरुकुल में चले गए और गुरु ने आपको अगर अपने शिष्यत्व में ले लिया अपने सानिध्य में ले लिया तो आपके जीवन भर का कैसे आपका जीवन यापन होगा क्या होगा उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी गुरु लेता था कि हाँ हम तुम्हें ऐसा बनाएंगे कि तुम जीवन में खड़े होगे और वो सोली जैसे अपने पुत्र के लिए अपने बच्चों के लिए पिता की जिम्मेदारी होती है कि इनको पांव पे खड़ा करना है तो ऐसी गुरु की जिम्मेदारी भी होती है तो अब गुरु तो कोई कसर नहीं छोड़ता जहाँ उसने एक बार ठान लिया कि नहीं बच्चे को सिखाना है तो उसको सब कुछ देता है सब कुछ देता है बारीक से बारीक चीज है अब बात होती है कि आप उसको किस तरीके से अभ्यास कर रहे हैं आप किस तरीके से अभ्यास कर रहे हैं आपको वो तालीम अच्छी दे सकता है आपको
आपको अपने यहाँ रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पहले तो यही होता था। हमारे यहाँ भी हमारे पिताजी के यहाँ बहुत सारे शागिर्द आते थे, दूर दूर से आते थे, जमाना अलग था। तो हमारे यहाँ 15-15 दिन 20-20 दिन या हम लोग कहीं जाते थे तो वहाँ रहते थे शिष्यों के घर में, तो वहीं तालीम चल रही है, वो गाना बजाना चल रहा है। अब वो माहौल रहा नहीं, अब जरा सा फॉर्मल सा तो हो गया है, लेकिन फिर भी कोई वो शिष्य आते हैं तो अभी भी ये सब चलता है। तो अब क्या हो गया है कि कभी कभी हम लोग ओवर एक्सपेक्टेशन गुरु से करने लग जाते हैं कि गुरु ने अच्छा सिखा तो दिया है, अब गुरु हमको स्टेज भी दे। चलिए ठीक है, आप 2-4 बार गुरु के साथ स्टेज में बैठ गए, अब लेकिन गुरु आपके लिए स्टेज भी ढूंढ के लाए और आपके लिए 4 जगह बात करे, ये सब नहीं होता है। और आपको वो एक सुदृढ़, आपको एक वो बनाता है, संगीतकार बनाता है ज्ञान से, उसके आगे का रास्ता आपने खुद ही तय करना पड़ता है। आप अगर आपको अच्छा कलाकार वो बना देगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल कलाकार बने तो वो थोड़ा कमर्शियल वे है, फिर उसमें आपको अपनी अपनी वो योग्यता के या उसके आधार पे आपको अपना वो सब करना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छा आपने समझाया सर, और व्यापक जोशी जी हमारे युवा संगीतकार हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छी आपने बात बताई। व्यापक जी धन्यवाद आपका। मैं एक बात और कहना चाहूँगा सर कि नदी जो होती है बहुत शोर करती हुई चलती है, बहुत बोलती है, बहुत उछलती है, बहुत कूदती है, लेकिन समुद्र जो है वो बड़ा शांत रहता है, धीर गंभीर रहता है। तो पिछले 1 घंटे से मैं नदी की तरह उछलता जा रहा हूँ, शोर करता जा रहा हूँ, और जोशी सर हमारे धीर गंभीर शांत समुद्र जैसे बैठे हुए हैं। तो मैं आप जोशी सर से भी अनुरोध करूँगा सर कि वो भी जो है थोड़ा सिलसिले को, बातचीत को आगे बढ़ाएं। आदरणीय जोशी सर। नहीं, मैं डॉक्टर गोपाल जी की बातों में खोसा गया था, क्योंकि इतने सारे सवाल प्रश्न मन में उठ रहे थे, और मैं अपना एक बाधायन संबंध समझता हूँ डॉक्टर गोपाल के साथ, क्योंकि जिस संस्थान में ये अध्यापन कर रहे हैं उसी संस्थान से मेरा कार्यालय निकला, जो फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। इसमें मेरे को लगता है इनका जन्म भी नहीं हुआ था शायद, उसमें सुमति मुताक्कर जी होती थी, पंत जी थे, और उन लोगों ने हमारे एक संस्थान CCRT को वहाँ से निकाला था, और फिर नूरुल हसन साहब एजुकेशन मिनिस्टर होते थे, तो उन्होंने कहा था कि इसको एक स्कीम बनाई जाए, तब CCRT का उद्भव हुआ था। तो मैं अपने आप को कुछ आपसे जुड़ा हुआ पाता हूँ इस संबंध में, लेकिन मेरे मन में प्रश्न ये थे, जब आप उस्ताद विलायत खान साहब की और पंडित रविशंकर जी की बात कर रहे थे, तो जो आप कहते हैं कि आज शुजात जी जब परफॉर्मेंस करते हैं तो क्या वो अपनी लिगेसी को, जो गायन की लिगेसी है, क्योंकि नॉर्मली सितार वादक गाते नहीं है, लेकिन शुजात खान साहब जब भी जाएं तो एक रसा स्वादन, उनकी आवाज इतनी मीठी और सितार इतना मीठा, और मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि क्यों लड़ाई होती थी, प्रशंसकों में क्यों लड़ाई है कि उस्ताद विलायत खान अच्छे थे या पंडित रविशंकर अच्छे थे, दोनों की अपनी अपनी क्वालिटी है और वो चलता है। संगीत एक बहुत विवादास्पद क्षेत्र भी है, जहां पर ये अच्छा वो अच्छा, वो बड़ा सब्जेक्टिव मामला हो जाता है। एक प्रश्न मेरा ये था कि नाद जो है जिसपे पूरा संगीत निर्भर है, उसके हमने 3 गुण कहे, हमने कहा उसकी इंटेंसिटी है या मैग्नीट्यूड है, या उसका टिम्बर है, या उसकी पिच है, तो एक साधारण आदमी कैसे समझेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड, टिम्बर एंड पिच? ये तो एक प्रश्न ये भी था। एक प्रश्न ये था कि संगीत में मूल्यांकन आप कैसे करते हैं, क्योंकि मूल्यांकन भी एक अगेन बड़ा व्यक्तिगत कहना चाहिए सब्जेक्टिव वो हो जाता है, क्योंकि जो आपने कहा वो किसी ने किया या नहीं किया, तो उसको आप कैसे मूल्यांकन करते हैं संगीत में, यूनिवर्सिटी में स्पेशली? ये 2-3 बातें मेरे मन में थी, मैंने कई सारे प्रश्न मन में है, सोच रहा कि कभी दिल्ली में आपसे मिलूंगा, क्योंकि आप भी दिल्ली में, मैं भी दिल्ली में, बातचीत करेंगे, लेकिन ये तो थोड़ा सा बताइए मुझे इस बारे में। आवाज नहीं है जो आपने बताया, ये नाद के गुण वाली जो बात है, उसकी टेक्निकल, जो हमारा जो एक लेमैन लिसनर होता है उसे यूजुअली क्या होता है कि हाई पिच की चीजें पसंद, थोड़ा ऊंचा सुर से जो गाए उनको वो चीज एकदम से अट्रैक्ट करती है।
करती है, अट्रैक्ट ग्रुप करती में है, गाए और थोड़ा सा ग्रुप में रिदमिक गाना उसमें गाए। उसमें रिदमिक माहौल रहे तो वो ज्यादा अपने को उस समय रिलेट कर पाता है, लेकिन धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएं अगर तो थोड़ा सा जो नीचे लोअर पिच में जब आने में लगता है, नाद में नीचे उतरने लगते हैं तो नीचे की इंटेंसिटी जो होती है वो और कम हो जाती है, मतलब वाइब्रेशन क्या होते हैं लो हो जाते हैं, ऊपर हाई पिच में क्या होगी इंटेंसिटी वाइब्रेशन तेज होंगे, फ्रीक्वेंसी तेज ज्यादा हर्ट्स की होगी, नीचे में लोअर लोअर हर्ट्स की होगी, तो उसका अलग मजा है। अब बाकी ये डिपेंड करता है कि कलाकार वो किस खूबी से उसको प्रस्तुत कर रहा है कि वो नीचे भी मजा दे रहा है, मीडियम में भी मजा दे रहा है और हाई पिच में भी मजा दे रहा है, और यहीं से फिर बात आ जाती है कलाकार इन तीनों सप्तकों में या इन तीनों वेरिएंट्स में कितनी सिद्धि से उसको पेश कर पा रहा है, तो यहाँ से उसकी परख हो जाती है कि हाँ इसका हर जगह बराबर का मामला है, बराबर सब जगह इसका वजन है या बराबर इसमें दखल, सब में दखल बराबर है, सब में परिपूर्णता है, और बाकी संगीत में किसी को जज करने के लिए काफी सारी बातें होती है। देखिए हम लोग कभी कभी किसी इंसान से बात ना करते, खाली उसका फेस को देखते समझ जाते हैं कि हाँ मतलब कुछ है इनमें, वो गंभीर या फिर एक समझ लीजिए वो डिग्निटी, वो वेट आप किसी आदमी में अपना आप ही देख पाते हैं कुछ अंत में या किसी में, तो ऐसे ही जब हम लोग पहला नोट छेड़ते हैं सांस का, तो पहले जो सांस की छेड़ से ही पता चल जाता है कि कितने गहरे पानी में आर्टिस्ट है, इसकी क्या स्थिति है उसकी। आप देखिए हम मुंह से बात तो कर लेते हैं लेकिन कोई आदमी वही बात कोई संत बोले या कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति बोले तो उसकी बात एकदम से आपको लग जाती है, हाँ यार बहुत सही बात कह रहे हैं, तो ऐसे ही हम लोग भी नीरेगा बजाएंगे और ऐसे ही फिर एक उस्ताद भी नीरेगा लगाएगा, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर आता है, तो लेवल तो समझदार आदमी को 2 मिनट में पता लग जाता है कि लेवल क्या है, ये कलाकार किस श्रेणी का है और क्या है, और बाकी आपने अच्छी बात कही सुजात खान साहब के विषय में, आपने बताया कि वो लोग वो गाते भी हैं साथ में बजाते भी हैं, तो वो भी एक ट्रेंड है, वो सूफी संगीत को काफ़ी लाइक करते हैं खुसरो जी की काफ़ी, और वो है ना उनके कलाम पढ़ के या फिर इस तरीके से उन्होंने अपना एक अलग ट्रेंड बनाया है, हाँ तो अपार्ट फ्रॉम वो क्लासिकल भी बजाते हैं और साथ में सूफी संगीत, ताकि जो आम लोगों से वो इजीली कनेक्ट हो पाते हैं, और जो रविशंकर जी या विलायत खान थे ये हार्ड कोर क्लासिकल म्यूजिक में थे, लेकिन इन ये भी संगीत को ऐसे प्रेजेंट करते थे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका पिछला एक घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा किधर चला, आप भी ट्रांस में चले जाते थे, वो दुनिया भी अलग थी, तो हर एक आर्टिस्ट का अपना एक नज़रिया होता है कला को लेके, अपने प्रदर्शन को लेके कि आपने कैसे प्रदर्शित करना है, आपकी क्या लिमिटेशंस हैं, और व्हाट कैन यू गिव द बेस्ट फ्रॉम योर सेल्फ, आप में कितना पोटेंशियल है, तो हर एक आदमी ये चाहता है कला के क्षेत्र में कि इसके पास जो पोटेंशियल है उसका वो 100% यूज़ करके और अपने को एक सक्सेसफुल जगह पर अपने को इस्टेब्लिश कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, उनके जहन में अपनी जगह बना सके। और सुरबहार में संगीत में और सुरबहार में सितार में और सुरबहार, हाँ अनिल विश्वास जी ने एक फिल्म में सुरबहार बजाया और वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ, तो और आवाज जो है लोग बाग उसको कंफ्यूज करते हैं सितार से, एक तो प्रश्न ये था सुरबहार में क्या अंतर आप देखते हैं, दूसरा ये था कि जो दूसरा तुम्बा होता है सितार में उसका महत्व क्या होता है, क्योंकि आपके अभी जो आपने आपने सितार हमें दिखाया उसमें एक ही तुम्बा नीचे जो मेन तुम्बा है वही था, दूसरे तुम्बे को कुछ लोग लगाते हैं कुछ लोग नहीं लगाते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है वादन में? जी सितार और सुरबहार, देखिए सितार को अगर आप पुत्र कहेंगे तो सितार सुरबहार को आप ग्रैंड फादर की श्रेणी में रख सकते हैं,
तो मतलब उसमें होता क्या है, स्ट्रक्चर यही होता है, मोर ओवर स्ट्रक्चर यही होता है। और जैसे सितार जितना चंचल है, क्योंकि ये हाई पिच में जाता है, वो जो पिच की बात हम कर रहे थे, अब सुरबहार क्या होगा कि यही होगा, सितार की तरह ही उसका ढांचा होता है, लेकिन उसका और थोड़ा बेस इंस्ट्रूमेंट है। बात याद है, जैसे अभी हमारा सा, जैसे अभी हमारा सा ये था, अब सुरबहार मान लीजिए, सुरबहार का सा थोड़ा लो स्केल में लेता है, तो सा जैसे मान लीजिए सा यहाँ सा, बजाने की टेक्निक में भी अंतर है और बजाने के सबक में भी अंतर है, और बेसिकली साउंड में तो अंतर है ही है, वो और गंभीर प्रकृति का राग है। अब देखिए शुरू यहाँ से हो रहा है, जबकि सितार यहाँ से अमूमन शुरू होता है, तो एक तो स्केल पिच का डिस्टेंस आ जाता है, और इसका इसका भी अलग ही दुनिया है सुरबहार का, तो क्या कहना, सुरों मतलब साजों का राजा इसको अगर बोल दिया सुरबहार को, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, पुराना साज है। और ये इमदाद खानी घराने का काफ़ी दखल रहा है इस साज को आगे बढ़ाने में, और काफ़ी उन्होंने पारंगत हुए हैं इस साज को बजाने में, और ध्रुपद अंग से काफ़ी क्लोज है, ध्रुपद अंग से काफ़ी क्लोज है। देखिए ध्रुपद, देखिए स्वर तो वही होते हैं, तो वही एक ही स्वर में सुगम संगीत भी निकल रहा है, उन्हीं स्वरों से शास्त्रीय संगीत भी निकल रहा है, शास्त्रीय संगीत में भी ध्रुपद अलग चीज़ है, ख्याल अलग चीज़ है, तराना अलग चीज़ है, सुगम संगीत में हमारा ठुमरी दादरा चैती धुन, ये सब देखिए स्वर वही है, वही सारे गामा पा धा नी सा है, लेकिन उनको पेश करने का तरीका या उनको छूने के तरीके से ये सारे अंतर आ जाते हैं। वही हम अगर पहाड़ी अगर है, हम लोग जब पहाड़ी गाते हैं तो हम अपने फोक के हिसाब से गाते हैं, दर दर ना 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 ना। अब लेकिन अब यहाँ इसमें आएगा शास्त्रीय संगीत में थोड़ा सा पॉलिश हो जाएगा, दर ना 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 और यही स्वर अगर हम थोड़ा धीर गंभीर तरीके से ध्रुपद गाना है उसमें उसका स्वर लगाव ही अलग हो जाएगा। जैसे अभी ये दरबारी है हमारा, मैं बड़ा तानसेन जी ने जो राग बनाया है दरबारी कांजला, ता
तो उन स्वरों को जब तक उस तरीके से छुएंगे नहीं आप, अभी दरबारी राग में बहुत सारी गजलें भी हैं, जैसे हंगामा है क्यों बरपा, देखिए हंगामा है क्यों बरपा, लेकिन देखिए जो असली राग है और उसकी जो सुगम संगीत में जो इसकी इसकी पेशकश हो गई है वो कितना, दोनों में अंतर देखिए कितना डाइल्यूट हो गया है मामला, आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सेमी क्लासिकल और क्लासिकल में स्वरों को बरतने में क्या अंतर आ जाता है। तो हर एक स्वर के पीछे लोच है, हर एक स्वर एक दूसरे से अटैच गुथा हुआ है, इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट कोई भी नोट नहीं है। तो इस तरीके से ये शास्त्रीय संगीत की पकड़ है। अब इसको इन्हीं स्वरों को थोड़ा सा हम डाइल्यूट कर देते हैं क्योंकि अब जल्दी पेश करना है और एक कॉम्पैक्ट रूप में लाना है दरबारी को। डा 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 ना अब देखिए क्या चीज थी और क्या बन गई है, जमीन आसमान का अंतर है। देखिए कैसे स्वर चढ़ता है दरबारी का, और दरबारी राग तो कहा ही जाता है कि आप इसको जल्दी से, द्रुत का राग नहीं, हर एक राग की अपनी लय, ये द्रुत का राग है ही नहीं, ये हम लोग उसको पहले एस्टेब्लिश कर लेते हैं ऐसा, फिर उसके बाद से द्रुत में थोड़ा बहुत कुछ काम दिखाना है। गमक के हिसाब से कोई राग गमक प्रधान होते हैं, कुछ मीन प्रधान होते हैं, कुछ तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। रागदारी के हिसाब से, राग के चलन के हिसाब से हम लोग स्वरों को बरतते भी हैं और कंपोजिशन भी ले जाते हैं। तो अथाह सागर है, लेकिन मोटा मोटा ये है कि श्रोताओं को ये अच्छा लगना चाहिए और श्रोताओं का थोड़ा बालपन से इसमें परिचय हो जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है बाल्यावस्था से अगर इसका परिचय हो जाए तो एक रेफरेंस रहता है माइंड में बच्चों के, तो वो कहीं नज़र में कुछ आ रहा होगा, कहीं गुजर रहा होगा, तो एक बार को वो क्लिक करके उसको सुन लेगा कि यार हमने सितार सुना था, हमारे स्कूल में आए थे। तो ज़्यादा कदा साल में 4-5 बार भी अगर वो कहीं इंटरनेट पे दिख जाए सुन ले तो एक संस्कार उसके बढ़ेंगे थोड़ा बहुत। क्या पता उसमें ऐसा टैलेंट छुपा हो कि वो कभी इसको आत्मसात भी करना चाहिए कि चलो एक बार सीख के देखा जाए कैसा है क्या नहीं, क्योंकि हमें बच्चों को अब आज की डेट में सब चीज़ का एक्सपोजर देना पड़ेगा, हम लोग खेल में बहुत पीछे हैं। तो वही अब बच्चा देखता है आजकल इतना मैचेस वगैरह देखता है, तो अब थोड़ा लगा रहता है कि चलो प्रैक्टिस की जाए, ज़रा इसको स्पोर्ट्स हॉल हॉस्टल्स में जाए या कोई ऐसी जगह है जहाँ स्पोर्ट्स संस्थान, वहाँ अच्छी तरह ट्रेनिंग ली जाए। तो ये बचपन से जब एक शौक होगा तभी हम उसको वो यहाँ तक उसका जज्बा पहुँच पाएगा। तो उस जज्बे को कम से कम हम कुछ ना करें तो कम से कम उनको ये चीज़ें दिखाएं कि बच्चों ये होता है ये होता है, उनको पढ़ाई के अलावा जो और डायमेंशन हैं लाइफ या और भी जो चीज़ें हैं वो केवल उन तक सीमित ना हो जाए कि बड़े शहरों की चीज़ें हैं भैया ये
खेलना, मतलब इस लेवल पे जो नेशनल लेवल पे जो खेल होता है या फिर ये संगीत होता है, कि यार बड़े बड़े नगरों की चीजें हैं और भैया माया नगरी बॉम्बे में है, यहाँ कुछ नहीं होता। नहीं, आपके शहर में थिएटर होंगे या म्यूजिक का कुछ होगा, आप उनको थोड़ा कल्चरली उनको नरिश कीजिए, तो जरूर हमारी पीढ़ी शिक्षा के साथ साथ एक वैल्यूज लेके हुए आगे बढ़ेगी और जरूर एक हमारे नेशन का अलग कैरेक्टर बनेगा, ये मेरा मानना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे, बहुत उच्च कोटि के, बहुत ही उत्तम विचार, और जिस शालीनता से, जिस विनम्रता से आपने बात की पिछले 1.5 घंटे में, उसका कोई जवाब नहीं। बहुत सारे दर्शक लगातार कमेंट कर रहे हैं, गुंजन जोशी, दया जोशी, और अंतरा चक्रवर्ती, प्राची कश्यप, ओम बुढ़ा थोकी जी, त्रिलोक जोशी जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत दर्शक हैं जो लगातार देख रहे नहीं, हैं। आप और अभी धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों का कि इतना अच्छा मंच इतना अच्छा है मंच और है हमारा और इंटरनेट से जो हम लोग जुड़ से जो जाते हम हैं लोग जुड़ और जाते हैं और अपने विचारों को अपने आदान विचारों को प्रदान आदान करते हैं। प्रदान करते हैं। और संगीत के सिलसिले में अगर ये हो जाए कि सब स्कूलों में उत्तराखंड के खास तौर पे, अभी मैं और एक वाक्य सुनाता हूँ मैं आपको। मैं और मेरी वाइफ यहाँ नेपाल के पास में एक जगह है खुरपा ताल, तो खुरपा ताल में हमने कहा चलिए थोड़ी देर वहाँ विजिट करके आते हैं। तो सुबह सुबह अच्छी वहाँ रोशनी पड़ती है लेक पे, तो वहाँ पहुँच गए हम लोग। तो वहाँ एक विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, मेरे ख्याल से मिडिल स्कूल तक है वो। तो हम लोग ऐसे धूप सेकने के लिए खड़े हुए वहाँ पर, एक हमारे परिचित भी हैं उनके नीचे, तो स्कूल के बाजू में ही उनका गेस्ट हाउस है। अब वहाँ देखा तो बड़ी अच्छी मालकों चल रहा है। अरे मैं और मेरी वाइफ स्तब्ध, और इतना सुर में, इतना बढ़िया, इतना सिलसिलेवार। वहाँ के जो भी अध्यापक अध्यापिका रही हूँ उनको मैं अभी साधुवाद देना चाहता हूँ यहाँ का। इतना बढ़िया माहौल उन्होंने बना रखा था और बच्चे भी इतने डिसिप्लिन, मतलब इतना मुझे अच्छा लगा कि देखिए बच्चों को हम थोड़ा सा दें तो बच्चे क्या ना कर जाएं। तो हमारी ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कम से कम उन बच्चों को वो चीज़ें दिखाएं जो हमारे बगैर वो देखें, उनको हम वंचित ना रखें चीज़ों से। देखिए सबकी फिर अपना टेस्ट, अपना करियर, ये सब बच्चा अपने आप डेवलप करता है या अपनी स्ट्रीम खुद पकड़ता है, लेकिन कम से कम क्या स्ट्रीम हो सकती हैं उसको हम लोग कम से कम इतना दिखाने में हमको जरूर प्रयास करना चाहिए कि हाँ बच्चों ये भी एक चीज़ है और आप इसमें आगे बढ़िए। इसी तरह हमारे नॉर्थ, एक खासतौर पर साउथ इंडिया का कल्चर बहुत उन्नत है म्यूजिक के मामले, या कलकत्ता हर घर में आपको संगीत मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि कैरियर ही बनाएगा, लेकिन एक रिचनेस लाइफ में रहती है म्यूजिक से। बुढ़ापे में आप कुछ नहीं तो चलिए अपने साथ एक संगीत आपका हमेशा साथ ही रहेगा, आप अकेले हों चाहे कैसे, लेकिन आपका साथ ही संगीत हमेशा रहेगा। आप सीख जी सकते हैं, बिल्कुल सिखा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे विचार। बिल्कुल, हम आपसे सहमत हैं सर। और मैं क्रिकेट की भाषा में अगर इसे कहना चाहूँ, जो आप काफ़ी देर से कहना चाह रहे थे कि सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत में, तो सुगम संगीत अगर वनडे है तो शास्त्रीय संगीत टेस्ट मैच है। अब 2020 अब कहिए आप, 2020 कहिए जिसमें आप, बंगाना ट्वेंटी को फिल्मी बंगाना संगीत, दोनों बार। ट्वेंटी ट्वेंटी को फिल्मी संगीत कहता हूँ सर। अब टेस्ट में पता अब लगता टेस्ट है में कि पता लगता है एक कि एक जी शास्त्रीयता का पता टेस्ट में लगता है, एक बहुत बॉलिंग और बैटिंग में। एक ही व्यक्ति अगर 20 ओवर एक डालना ही है व्यक्ति 20 ओवर डाल रहा है तो उसकी गेंदों में कितनी उसकी गेंदों वैरायटीज में कितनी होती वैरायटीज होती है। जी बिल्कुल है। तो बिल्कुल, समय चाहिए हर चीज को समय चाहिए हर परखना, चीज को परखने के कितनी साधना है, कितनी कितना साधना क्या है, कितना क्या है। जी, तो गुंजन जोशी जी कह रही हैं, शानदार गोपाला सदैव की तरह अद्भुत, अकल्पनीय, असाधारण, उत्कृष्ट और संवेदनशील, आपके भीतर के संगीत के गुंजन प्रति संपूर्ण भक्ति है जो आपको मेरा जो आपके रोम रोम में जाग चुकी है, और माँ सरस्वती अभी शरीर में बस गई है आपके शरीर में, और आपकी असीम साधना ही सर्वदा के लिए इन्हें आपके भीतर स्थापित कर सकती है। भारत भूमि को अपने सितार वादन के माध्यम से गौरवान्वित करने वाले इस महान कलाकार को मेरा प्रणाम के लिए, गुंजन जोशी जी। और साथ अरे गुंजन में जोशी, अरे गुंजन फरमाइश भी जोशी, है, हाँ साथ में गुंजन जोशी जी और रजनीकांत शुक्ला जी दोनों की फरमाइश भी है, इसके बाद हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। गुंजन जी कह रही है रचना सुना दीजिए, और रजनीकांत शुक्ला जी कह रहे हैं भाई गीत भी हो जाए,
और जगमोहन परगाई जी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपको प्रणाम भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा गुंजन जोशी जी ने गुंजन जोशी जी ने एक तरफ से उन्हें छूट पकड़ा था हमारे रखा हमारे आपको सिखाना आपको सिखाना कि वो रहती हैं एक्टिव हैं एक्टिव हैं इनके भाई व्यापक जोशी जी भी काफी एक्टिव हैं और जो हमारे परम श्रद्धे आदरणीय श्री मुरली महाराज जी जिनको हम बोलते हैं इनके पिताजी काफी उच्च कोटि के विद्वान रहे हैं और मेरे पिताजी के गुरु भाई भी रहे हैं वीणा महाराज जी के शागिर्द रहे हैं तो उसी परंपरा से इन लोगों को सुन सुन के ही हम लोग बड़े हुए हैं। और प्रभात उप्रेती जी, प्रभात उप्रेती जी कह रहे हैं कि राग पहाड़ी आखिर में सुना दें तो ये दिन और गुलजार होगा। चौहान जी की उत्तरकाशी से टिप्पणी आई है, कह रहे हैं आज बादल बरस रहे हैं और बारिश की बूंदों के साथ ये संगीत में शाम मजा आ गया, सभी को साधुवाद। तो साधुवाद गोपाल सर को। धन्यवाद मोहन जी, धन्यवाद। आप लोग इतने धैर्य से सुन रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो हमारे तो चैलेंज ये हो गया म्यूजिशियनों के लिए कि हम लोग को कोई सुन ले। तो खैर आप लोग इतने सहज और रसिक श्रोता हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं पहाड़ी पेश करता हूँ, पहाड़ में उसमें एक रचना गुंजन जी की भी बात आ जाएगी। ये आजकल थोड़ा कोरोना की वजह से तबले वाला मैंने बुलाया नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक तबले से ही हम लोग अब मैं पहाड़ी राग का थोड़ा सा स्वलहरियाँ सुनाता हूँ। उसमें आपको बीच बीच में हमारे जो प्रचलित गीत हैं पहाड़ में जो फेमस हुए हैं गोपाल और गोस्वामी जी के और लोग के, उसमें आप झलक आपको कहीं मिल जाएगी तो उसको पहचानिएगा आप लोग। क्या बात है, क्या बात है, स्वागत Thank you.
तारा। ओभिना कस्के दनु गर्हता एक रचना सुनाता हूं, गुंजन जी की बात ही आ जाएगी उसमें। ये उस्ताद हलीम जाफर खान साहब की एक बड़ी खूबसूरत रचना है राग पहाड़ी में। वाह जबरदस्त शानदार। और ये ओ बिना कष्ट जाने द्वारा का सर सितार में सुनने की हमने कभी सोची भी नहीं थी, तो आपने वो भी आज साकार कर दिया। नहीं गायकी अंग में स्वर कुछ बजेगा स्वर तो स्वर वही है, स्वर वही है, चाहे आपका सितार हो चाहे वायलिन हो सब सब इंटरनेटेड है सब इंटरनेटेड जी। बहुत बढ़िया सर, आज की शाम आपने गुलजार कर दी और इतनी संगीतमय शाम, इतने सारे टिप्पणियाँ, चाहे शिवांगी पाठक हों, गीता उप्रेती, धीरज मिश्रा, मोहन चौहान जी, गुंजन जोशी जी, प्राची कश्यप, रूपा बेस, दया जोशी, व्यापक जोशी, शिवांगी पाठक, फरीदा शेख मैम, अशोक कुमार प्रधान जी, ऋतु उप्रेती जी, बहुत सारे दर्शक हैं सर। इतनी सारी टिप्पणियाँ हैं कि मैं अगर सबका नाम और टिप्पणियाँ लूँगा तो बहुत लंबा समय चाहिए होगा। आज का शो ऑलरेडी हमारा बहुत लंबा हो गया है, हम एक घंटे तक मान के चलते हैं। सर माफी नहीं, हमें तो बहुत ही आनंद आया, अति आनंद, मतलब इसकी कोई शब्द नहीं है मेरे पास। जोशी सर इसको संक्षिप्त में बताएंगे कि आज का शो कैसा रहा, और साथ में निवेदन करूंगा जोशी सर से कि आज के सवाल का सही जवाब हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करेंगे। आदरणीय जोशी सर। नहीं वो प्रभात दा ने बहुत संक्षिप्त शब्दों में कह दिया आनंद 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 आत्मा।
वो जैसे श्रीनाथ जी ने श्रीनाथ आज जी ने बोला के आनंद आवाज की की जय, आनंद की जय, वैसे ही गोपाल वैसे कृष्ण ही जी के गोपाल कृष्ण आनंद जी के आनंद उसकी जय। उसकी जय। बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। और इतना और इतना पिछले बार जो आपने जो आपने समझाया सब बहुत लाभान्वित हुए, लाभान्वित हुए और हमें खुशी ये है कि हमारे बीच आप जैसा कलाकार आया और उसने अपना समय दिया, तो हम आभार मानते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने अपना समय दिया इतनी व्यस्तताओं के बावजूद। हालांकि आप रियाज में ये आपका टाइम कुछ व्यस्त रहा होगा, लेकिन आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और उम्मीद करते हैं कि हम जब कभी मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे, हमारा एक डॉक्टर भट्ट का और बहुगुणा जी का एक प्रोग्राम भी था कि हम कोरोना जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है उसमें कोशिश करेंगे कि जितने कलाकार इस जितने वक्ता वक्ता आए हैं उन सबके साथ एक सम्मेलन किया जाए, तो उसमें देखें कितने कितनों को एक साथ बुला पाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन हमें जरूर आपका हमें सानिध्य मिलेगा, हम इसकी आशा करते हैं और हमारी अपेक्षा है आपसे। नहीं नहीं बिल्कुल, मुझे बहुत आनंद लगा और जो भी मेरे से संभव हो सकेगा मैं बिल्कुल अपना जी पूर्ण बिल्कुल रूपेण सहयोग रहेगा। और अच्छी बात कही कि बाकी खुरताल में खुरताल के विद्यालय में जो आपने मालकों सुना वो एक बहुत संवेदनशील बात है, और हम सब भी उन टीचर्स को बधाई देते हैं जिन्होंने उस वातावरण को स्कूल में क्रिएट करा किया किया हुआ है। और उत्तराखंड में तो वैसे ही संवेदनशील लोग हैं जो स्कूलों में संगीत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और हालांकि इनके सुगम दुर्गम ये विवाद चलते रहते हैं, तो जब संगीत का टीचर दुर्गम इलाके में चला जाता है तो कैसे वो अपनी साधना को कर पाता है या रख पाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन चूंकि पहाड़ी जो लोग होते हैं, उत्तराखंड के लोग जितने हैं वो सब हृदय से संगीत प्रेमी होते हैं, और आज हमसे कई सारे बंगाली कलाकार जुड़े और जो जितने वक्ता जुड़े जितने श्रोता जुड़े वे सब भी इस बात को दर्शाता है कि कितने हम कितने संगीत प्रेमी हो जिन्हों जो आपका बिल्कुल अभिभूत होकर आपका सुन रहे थे। तो संगीत की बारीकियों को और जितने सवाल आए जितनी टिप्पणियां थी उन सबसे हम बहुत लाभान्वित हुए। एक शिक्षाप्रद सेशन हमारा रहा जो कि इस शो का एक मूल आधार है, शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना। तो संस्कृति के बारे में कुछ काफी बातें पता चली। अब मैं आता हूँ जो प्रश्न मैंने पूछा था उसके उत्तर के बारे में। हुआ ये था कि 2 जनवरी 1948 को अपनी मृत्यु से ठीक 28 दिन पहले जब महात्मा गांधी बिरला हाउस में पहुंचे थे तो एक बड़ा सा टोपा उन्होंने पहना था, तो सब प्रार्थना सभा में गांधी जी को देख के बड़े हंसने लगे। तो गांधी ने कहा कि ये नोआखाली में मेरे को मिला है, नोआखाली के किसान ने मेरे को दिया, इसलिए मेरे हृदय के अति समीप है और वो सरकंडे का बना हुआ था। लेकिन हम सब ने देखा है कि गांधी जी जहां भी जाते थे वो अपना आकाश मंडल जो था वो उसको खाली रखते थे, कभी कभी वो अपना गमछा डाल लेते थे ऊपर, और बाद में कई टोपियां वो चाहे काठियावाड़ी टोपी हो, ये टोपी हो, वो टोपी हो, कई टोपियां उन पर आजमाई गई, लेकिन वो किसी को बिहार की टोपी थी बड़ी झीनी झीनी सी थी। तो काका कालेलकर जो पहले हमारे रजनीकांत शुक्ल जी ने उत्तर दिया था वो था कि काका कालेलकर वो काका कालेलकर नमक सत्याग्रह में उनके साथ थे और उन्होंने बहुत गांधी जी के बारे में लिखा है, नमक के प्रभाव से उनकी किताब है काका कालेलकर की। काका कालेलकर अपनी दूसरी किताब जो मेरी जीवनी है उसमें ये लिखते हैं कि मैं जब येरवडा जेल में था तो मैं गांधी जी और मेरे बीच में काफी चर्चा होती थी। गांधी जी मुझे खादी और टेक्सटाइल के बारे में काफी ज्ञान देते थे, लेकिन काका कालेलकर एक नक्षत्र विज्ञानी थे। काका कालेलकर उनको बताते हैं कि ये नक्षत्र यहाँ पर है, ये ग्रह यहाँ पर है, और गांधी जी उनको प्रत्युत्तर में अपनी ये बताते थे। लेकिन गांधी जी का एक बार जाना हुआ रामपुर दरबार में, तो रामपुर दरबार में जो सैयद हामिद अली थे जो नवाब थे उनके साथ मीटिंग फिक्स हुई रामपुर पैलेस में, और ये कहा गया जब गांधी जी चलने लगे घर से तो उनका अधिकारी दौड़ा हुआ आया, उसने कहा कि आप नंगे सिर नहीं जा सकते रामपुर के नवाब से मिलने। तो गांधी जी ने कहा आप क्या करें, गमछा डाल लेता हूं। तो वहां पे जो रजनीकांत शुक्ल जी ने उत्तर दिया वो बिल्कुल ठीक है, नीरज पंत जी ने शुरू शुरू में दिया था, एक अंक से वो चूक गए, लेकिन वो अली ब्रदर्स की जो मदर थी आबिदा बेगम उन्होंने गांधी जी के लिए टोपी सिली और वो गांधी टोपी का उसको नाम दे दिया गया। गांधी को बहुत देखा नहीं गया उस टोपी में, हालांकि पंडित नेहरू से लेके मुरारजी देसाई जी और जितने हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, जगजीवन राम जी थे, वो सब ये टोपियां पहनते थे। आपने देखा, हमने ये देखा कि राजीव गांधी जी भी लास्ट लास्ट में टोपी पहनने लगे थे। तो ये गांधी टोपी उस इंसिडेंट से फेमस हुई
कि जो बेगम आबिदा ने उनके लिए सिलके दी जब वो रामपुर नवाब के पास जा रहे थे। तो ये उत्तर है कि किसने उनको टोपी दी, बेगम आबिदा ने टोपी दी, अली ब्रदर्स की माँ जो थी। ये उत्तर आया है सर हमारे पास, बेगम आबिदा किसने भेजा है, ये उत्तर आया है, पता नहीं किसने दिया है, मैं देखूंगा अभी जाकर के। तो जिसने भी दिया है उसको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आज के शो को खत्म करने से पहले एक दो लाइनें कहना चाहूंगा कि हमारा शो आज 163 नॉट आउट है और हेमंदा ने नैनीताल से इसकी शुरुआत की थी और हेमंदा के साथ नैनीताल के हमारे डॉक्टर गोपाल कृष्ण शाह जी आज 163वें मेहमान हमारे रहे और अद्भुत ये यात्रा है। और हम कहते आए हैं कि हमारा हर एपिसोड कई कई किताबों के बराबर ज्ञान लिए हुए हैं। तो आप हमारे एपिसोड्स को अगर देखना चाहें पुराने तो हमारे YouTube चैनल विविधा पर देख सकते हैं, सभी सभी एपिसोड वहां पर अवेलेबल हैं और आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अगले बृहस्पतिवार को हम एक नए मेहमान एक नई शख्सियत के साथ ठीक 6:30 बजे आपसे फिर रूबरू होंगे। और आज की इस शानदार संगीतमय शाम के लिए मैं हमारे आज के मेहमान आदरणीय डॉक्टर गोपाल कृष्ण शाह जी का बहुत बहुत तहे दिल से बहुत हृदय की गहराइयों से आभार ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत शाम बनाई, संगीत के सितार की जो इतनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें बताई और कहीं ये जानना सीखना संभव नहीं था। और दूसरा हम धन्यवाद देना चाहेंगे योगिता पंत जी को जिन्होंने हमें सजेस्ट किया कि शाह जी हमारे कार्यक्रम में रहें। योगिता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारे साथ शुरू में जुड़े थे लेकिन अभी शायद वहाँ मौसम भी खराब है जहाँ टिहरी में, वो हिमालय के सामने मुन्नेश्वर में इस वक्त होंगे। और हेमंदा किसी कारण से हमारे बीच नहीं जुड़ पाए, हेमंदा होते तो और आज कुछ नैनीताल की बातें चलती और खुरपा ताल में जहाँ खुरपा ताल में जहाँ पर आपने वो सुना संगीत वहां पर उनका घर है बगल में, तो ये भी एक बड़ा अच्छा इत्तेफाक है। हेमंदा का भी जरूर असर रहा होगा उस विद्यालय में, उनकी दीदी वहां पर शिक्षक रही हैं, शिक्षिका रही हैं जहां पर आपने वो सुना। अच्छा अच्छा, तो हेमंदा का बहुत बड़ा योगदान है हमारे उत्तराखंड के बारे में अगर हम कहना चाहें तो। डिम्पल जोशी जी भी हमारी संगीत की शिक्षिका है, जीजेसी हल्द्वानी में, कह रही हैं आप ग्रेट आर्टिस्ट। योगिता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ डिम्पल जोशी जी जल्दी एक दिन इस कार्यक्रम में रहेंगी, हमें ऐसी उम्मीद है, उनसे बातचीत हुई है हमारी। और रजनीकांत शुक्ला जी आज के विजेता हैं, कह रहे हैं राजेंद्र उपाध्याय जी, उनको ये जिम्मेदारी है कि वो विजेता का नाम तय करके हमको बताएं। तो शुक्ला सर का शिकायत है कि उनका पहला चश्मा भी नहीं मिला, हालांकि उनको 2-3 मिल चुके हैं लेकिन अब वो इतने मिल चुके हैं कि शायद माया वाले भूल जा रहे होंगे कि रजनीकांत शुक्ला जी को ही देने सर। तो शुक्ला सर मैं आपके दोनों चश्मे आज का भी और इससे पहले का भी भिजवाऊंगा। और पिछले हफ्ते की विजेता शिवांगी पाठक थी, उनको भी बहुत बहुत बधाई, हम पिछली बार नाम नहीं अनाउंस कर पाए। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, रिकॉर्ड आज एक फिर बन गया, हम 1 घंटे के शो में 2 घंटे हो गए और ये संगीत की ताकत है अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये हमारे भारत के शास्त्रीय संगीत की ताकत है जिससे इतना लंबा शो हम सब ने देखा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, गोपाल सर एक बार फिर से, और मित्रों मिलते हैं अगले बृहस्पतिवार को द टीचर शो के, जी द टीचर शो के 164वें एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक हम सबको अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार।
यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो।